हेलो 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 सबको मेरा प्रणाम है नमस्कार है प्यारे बच्चों आइए आज हम लोग करने वाले हैं हैं से क्वेश्चन आ रहे हैं। कोई बात नहीं उसी को कर लेंगे बीस परसेंट बच्चों का एग्जाम हो गया है एट्टी परसेंट बच्चे अभी भी बाकी हैं तो आइए हम लोग मिलकर आज की शानदार मैराथन का आगाज करते हैं जितने लोग तैयार है आज के मैराथन के लिए जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए type 1 if you are ready जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए type 1 if you are ready जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए और फिर हम लोग शुरू करेंगे आज के शानदार कक्षा को और चला पूरी की पूरी किताब पढ़ा देंगे भाई एकदम तो टेंशन ना ले सारा तुम्हारा पढ़ा हुआ है जो नहीं पढ़ा हुआ उसको पढ़ा देंगे एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आइए चला जी हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं पानी लोग जा पहला प्रश्न हमारा है धातुएं निम्नलिखित में से ही चला मेरा क्वेश्चन है, है ए टू जेड एनसीईआरटी है यहां पे सब में एनसीईआरटी एग्जांपलर लिखा जाएगा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं एक कंप्लीट एनसीईआरटी एग्जांपलर का क्वेश्चन है ओरिजिनल कहते हैं धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है चला इद्युतहीनता का मतलब होता है डलनेस इद्युतहीनता का मतलब होता है डलनेस डलनेस डल समझता है मत पन, मत आ, इसका मतलब होता है चला बहुत पे चला जी हम आपको बुलाए हैं और हमने बुलाया और तुम चले आए जी आइए सर कहते हैं धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाता है देखिए चालकता एकदम दर्शाता है ध्वनिक प्रकृति एकदम दर्शाता है पीटीए का टन टन बोलेगा अ तो एकदम दर्शाता है अधात वर्धनीयता भी दर्शाता है अधात वर्धनीयता भी दर्शाता है अधात वर्धनीयता भी दर्शाता है त्रुटिहीनता नहीं दर्शाता है सी फॉर कैट इज द राइट आंसर सी फॉर कैट इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन पूरी की पूरी किताब करवा देंगे एकदम टेंशन ना ले मेरे लिए ये क्या देखो किताब पढ़ाना बहुत बड़ा बात नहीं धातु हमको थोड़ा पढ़ना थोड़े पड़ेगा सब पढ़ ले

उससे कम कॉपर की उससे कम अल्यूमिनियम की रिलेटेड भी, जितना भी बता देंगे चला। की। जल्दी से मार दो क्वेश्चन को जानते हैं इस बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे आने बाकी है अगला क्वेश्चन खाना पकाने वाले बर्तन में एल्यूमिनियम काम आता है एल्यूमिनियम क्या कौन से गुणधर्म इसके उत्तरदायी है अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर उच्च उष्मीय चालकता होगा चला अगर बर्तन है उच्च चालकता होगा तन्यता का कोई मतलब यहाँ हो नहीं रहा है उच्च विद्युत चालकता भी नहीं होगा ध्यान चला बर्तन की विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है विशिष्ट उष्माधारिता निम्न होती है जल्दी गलेगा नहीं इसलिए उच्च गलनांक होता है जल्दी गलेगा क्या इसलिए उच्च होता है और उच्च उष्मीय चालकता तो होवे करेगा तब ना चला जल्दी जल्दी उषमा का चालन करेगा उच्च उष्मीय चालकता उच्च उष्मीय चालकता उच्च उष्मीय चालकता उच्च उष्मीय चालकता।, चालकता अब जल्दी से बता दीजिए चला जी आंसर क्या होगा व्हाट इज आंसर ए और बी और सी उच्च विद्युत चालकता बर्तन का चला विद्युतीय चालकता से कोई मतलब है नहीं अब दो ही ऑप्शन आपको चुनना है ये चुनेंगे और देखिए एलुमिनियम विद्युत का चालन करता है इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है एल्युमिनियम विद्युत का चालन करता है इवन बहुत अधिक विद्युत का चालन करता है लेकिन चूंकि बर्तन के सेंस में कह रहा है तो बर्तन के सेंस में उच्च विद्युत चालकता नहीं होगा तन्यता तो एकदम नहीं होगा अब जल्दी से बता दें उच्च गलनांक होगा जल्दी गलेगा नहीं तब ना खाना बना पाइएगा उच्च उसमी चालकता होगा तब ना जल्दी जल्दी खाना बनेगा तब जल्दी से बता दीजिए व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थ्री वन एंड फोर इज द आंसर डी फॉर डॉग यही कथन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं चला तो बच्चे परेशान होते हैं अगला क्वेश्चन चला इतना शॉर्ट नोटिस पे हम तुमको बुलाए हैं आप उच्च विशिष्ट उष्माधारिता निम्न आ चला जल की विशिष्ट उष्माधारिता उच्च होती है जल की विशिष्ट उषमाधारिता जो होती है उच्च होती है इसीलिए विशिष्ट उधारिता जो होती है जल की विशिष्ट उधारिता जो होती है वो उच्च होती है चला उच्च होती है जल की विशिष्ट उधारिता उच्च होती है जल की विशिष्ट क्या होती है चला उच्च होती है जल की विशिष्ट उधारिता उच्च होती है और इसीलिए इसका उपयोग रेडिएटर में करते हैं इसीलिए इसका उपयोग रेडिएटर में करते हैं एक चीज और बताते हैं चला नेट अगर बीच में कट जाए तो अगले तीन मिनट में फिर से लाइव हो जाएंगे हम लोग एकदम टेंशन नहीं लेना है पूरा डिटेल डिस्कशन हम करवाने वाले हैं चला अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे तथा आप चला क्वेश्चन नंबर दे देके कॉपी में सॉल्यूशन लिखते जाइए पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे है कल प्रिंट निकाल के लीजिएगा फिर रिवीजन करने के लिए हम और भी चीजें आपको बताएंगे जिसपे आप रिवीजन कर सकते हैं कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रिया नहीं करेगी जल्दी से बता दो चला कैल्सियम अति अभिक्रियाशील उच्च अभिक्रियाशील उच्च का एग्जाम हुआ है 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 उच्च उच्च अभिक्रियाशील अभिक्रियाशील होता मैग्नीशियम और ये ये दोनों चला ये, चला। चला ये फर्स्ट ए का है फर्स्ट ए और सेकेंड ए आपको नहीं पता है क्या इसको चला अधिक अभिक्रियाशील होता है फर्स्ट ए क्षारिय धातु है फर्स्ट ए का है इसीलिए इसको चला पापा पापा किरोसिन में डुबा कर रखते हैं अब मैग्नीशियम भी चला अधिक अभिक्रियाशील होता है कौन जो है ठंडे तथा गर्म जल से कोई अभिक्रिया लोहा करेगा अभिक्रिया ठंडा गर्म जल से अभिक्रिया करता चला तो बाप रे बाप जमीन के नीचे लोहा गाड़ल है गड़बड़े हो जाता आंसर हो जाएगा आयरन यू विल गेट द आंसर अरे कोई दिक्कत नहीं चला पूरी की पूरी किताब पढ़ा देंगे भाई है ही कितना उसमें जे है सब पढ़ा देंगे मेरे लिए चला एक किताब पढ़ाना बहुत बड़ा बात नहीं सब पढ़ा देंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आयरन तथा भाप के एन टीपीसी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर तीन, तीन। आयरन तथा भाप लंबे समय चैप्टर नंबर तीन हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर पांच लिखिए सोल्यूशन लिखना शुरू कीजिए आयरन तथा भाप लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा जल्दी से बता दीजिए चला जी क्या हो जाएगा आंसर बेरोजगार नहीं बैठेंगे बेरोजगार चला जल्दी से बता दीजिए आयरन जब भाप से अभिक्रिया करेगा चला तो क्या देगा आयरन जो है एफ जब भाप से अभिक्रिया करेगा चला तो जल्दी से बता दीजिए क्या देगा आप एक बार अंदाजा लगाइए चला जी कि क्या देगा यहां पर चला आपका जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है एफ ओ एफ ओ थ्री यहां हो जाएगा चला एफ टू ओ थ्री ये हो जाएगा एफ ई थ्री ओ फोर यहाँ है एफ टू ओ थ्री एफ थ्री ओ फोर अब जल्दी से बता दिए आंसर क्या होगा ये है एफ ई एफ ई टू ओ थ्री एफ ई थ्री ओ फोर एफ ई टू ओ थ्री और एफ ई थ्री ओ फोर दोनों अब जल्दी से बता दिए चला जी आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा चला एफ थ्री ओ फोर प्लस एस टू इस रिएक्शन को चला जी एकदम याद रखिएगा इस रिएक्शन को एकदम याद रखिएगा द रिएक्शन एज ऑन द बोर्ड चला ये ऑप्शन थोड़ा सा टाइपिंग में चूंकि हड़बड़ में टाइपिंग हुआ है यहां देख लीजिए यहाँ ये ऑप्शन कट के हो जाएगा एफ ई थ्री ओ फोर होगा या एफ टू ओ थ्री है और मिला लीजिएगा चला एनसीईआरटी के एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एफ थ्री ओ फोर और यहाँ चला काट के है एफ सी टू ओ थ्री एंड एफ थ्री ओ फोर अब जल्दी से बता दीजिए चला जी आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा तीन यहां दे दीजिए चार यहां दे दीजिए और चार यहां दे दीजिए अब ये बैलेंस भी हो गया चला बैलेंसिंग देगा लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस और आर एच एस को मिला दीजिएगा इंग्लिश में चला इंग्लिश हिंदी सेम है इसलिए एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसको ये बैलेंस हो जाएगा देखिए तीन गो आयरन तीन गो आयरन है चार दुनिया आठ है तो चार दुनिया आठ हो गया ऑक्सीजन चार गो है तो ऑक्सीजन चार गो है जल्दी से रिएक्शन लिख लीजिए पांच नंबर लिखिए एफ थ्री ओ फोर इज द राइट आंसर सी फॉर कैप थ्री ओ फोर इज द राइट आंसर ये क्लास ओनली लाइव है की सब लिखता है रे? जली को आग कहते हैं बुझी को राग कहते हैं चला बहुत आसान है एकदम टेंशन नहीं लेना दस बीस को रिएक्शन ना से होने जाएगा बाकी सब तुमको आता है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या होता है जब कैल्सियम जल के साथ अभिकृत करता है जल्दी बता कैल्सियम को जल के साथ अभिक्रिया करना है। बहुत बढ़िया बात है करवा देते हैं अभिक्रिया अब जल्दी से बताइए एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए थोड़ा सा लड़िए थोड़ा सा जूझिए और तब हमको आंसर बताइए क्या हो जाएगा चला जब ये रिएक्ट करेगा ना तो ये सी एच टू दे देगा दे प्लस एच टू देगा दे दे अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा वॉट इज द आंसर सी एच होल टू देगा प्लस एच टू देगा पीडीएफ उपलब्ध है टेलीग्राम पे पीडीएफ उपलब्ध है टेलीग्राम पे जल्दी से बता दीजिए इसको चला बैलेंस कीजिए तो कितना हो जाएगा सीए एच टू सी एच होल टू हो जाएगा प्लस एच टू हो जाएगा यहाँ दो है यहाँ दो है चला तो यहाँ दो है तो यहाँ दो, दो चार है यहाँ दो दे दीजिए यहाँ दो हो जाएगा देखिए सी ए सी ए बैलेंस हो गया ये बैलेंस भी हो गया कुछ नहीं करना है लेफ्ट और राइट को मिला देना अब आंसर बताइए क्या हो जाए यही सब क्वेश्चन चला पूछ रहा है तो मामला गड़बड़ा रहा है जल्दी से बता है, आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए आंसर क्या होगा कहता है जब कैल्शियम को जल से अभिकृत किया जाता है तो क्या होगा या जल से क्रिया नहीं करेगा एकदम क्रिया करेगा देखो कर रहा है तो यह आंसर नहीं होगा कहता है यह जल से प्रचंड क्रिया करेगा यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है आ, बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं जल्दी बताइए क्या होगा आंसर इज आंसर यही सब वो क्वेश्चन है चला जो आपको देख के जाना है यह जल से कम प्रचंड से अभी क्रिया करते हैं यह तो सही है चला बने हुए हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले होते हैं यहां हाइड्रोजन गैस बन रहा है वो सतह पर चिपकते हैं तो चार के साथ अब आपको देखना है कि यह जल से प्रचंड क्रिया करता है यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है एक ये है और एक ये है अब जल्दी से बता दीजिए ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आंसर? दो या तीन चार के साथ एक तीन भी है और चार के साथ आप गौर से देखिए दो नहीं है तो चला देखिए कैल्शियम जो जल से भी क्रिया करता है ये प्रचंड क्रिया नहीं करता है यह जल से प्रचंड क्रिया नहीं करता है यह जल से तीव्र प्रचंड का मतलब बड़ा होता है और तीव्र का मतलब गतिशील होता है यहां थोड़ा सा क्वेश्चन प्रचंड का मतलब बड़ा होता है तो बड़ा क्रिया नहीं करता है बड़ा क्रिया नहीं करता है ये जो क्रिया है चला ये तीव्र होता है और इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है तो ये कम प्रचंड है यानी कम बड़ा है यानी चार के साथ हो जाएगा चला तीन ये कम प्रचंड है ये गलत हो जाएगा प्रचंड और बड़ा में तीव्र में अंतर है लड़का इसको तीव्र मार के मार लेगा जबकि गड़बड़ है आंसर हो जाएगा डॉट आंसर हो जाएगा डी तो फॉर डॉग प्रचंड का मतलब बड़ा होता है नहीं कहते प्रचंड रूप है हे महाकाल तुम्हारे रूप तो प्रचंड है प्रचंड है मतलब बहुत बड़ा है पहाड़ का रूप प्रचंड है प्रचंड का, और तीव्र में अंतर है तीब्र दौड़ने से होता है ये जो अभिक्रिया है ये तीव्र है और ये हाइड्रोजन गैस छोड़ के और ये बैलेंस है इसको आप लिख लीजिए दस पंद्रह अभिक्रिया है चला बीस को हार्डली जो तुमको पढ़ लेना है पढ़ लेंगे हम लोग और खत्म कर देंगे आंसर जल्दी से बता देखो ये कैसे छाटे हम फिर बताएंगे यह जल से क्रिया नहीं करता एकदम क्रिया करता है यह जल से प्रचंड क्रिया करता है बड़ा प्रचंड का मतलब बड़ा बड़ा नहीं करता तीव्र करता है और यह जल से कम प्रचंड यानी छोटा अभिक्रिया होता है चला और बने हाइड्रोजन गैस के बुलबुले तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बोले बने वे करते हैं तो आंसर हो जाएगा तीन एंड चार गेट द आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अगर चिला पढ़ने के लिए तैयार होइएगा हम पूरा पढ़ा देंगे अम्ल से क्रिया सामान्यता लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है एकदम सही बात है कि धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तब भी लवण जल देता है कथा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातु मैंगनी तथा मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देता है हाइड्रोजन गैस नहीं देता है जल्दी बताइए चिला H2SO4 सबको पता है हाइड्रोजन गैस देगा HCl भी देगा एक वो जो नहीं देगा चला, वो कौन है जल्दी से बता दो उपयुक्त सभी उपयुक्त तो सभी दे दीजिएगा चला गड़बड़ हो जाएगा जल्दी बताइए चला HNO3 जो है ना प्रबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है प्रबल ऑक्सीकारक है प्रबल ऑक्सीकारक है प्रबल ऑक्सीकारक है और जब ये चला ध्यान रखिएगा जब धातु यानी मान लीजिए कॉपर और इससे एच एन ओ थ्री करता है कॉपर से रिएक्ट करेगा, चला हाइड्रोजन गैस ये नहीं देता है आंसर हो जाएगा इसका सी फोर कैट आप कहिएगा सर रिएक्शन कैसा होगा तो ये रिएक्शन हो जाएगा चला सी एन ओ थ्री हॉल टू सी थ्री हॉल टू सी थ्री हॉल टू देता है चला CNO3 हॉल 2 देता है प्लस uh, NO2 प्लस H2O देगा प्लस NO2 आप uh, प्लस H2O देगा ये रिएक्शन होता है ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता ये एकमात्र ऐसा अम्ल है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता है सबको चला देख लीजिए एक बार आंसर बताइए जल्दी से Cu जो है वो HNO3 से विक्रिया करेगा CuNO CuNO3 हॉल 2 प्लस NO2 प्लस H2O देगा अब जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर इसको चला बैलेंस अगर करना है तो इसको बैलेंस कर देंगे हम लोग बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है चला हिट एंड ट्रायल मेथड है मास्टर तो रिवीजन कर लेना यहाँ दो दे दो तो दो दे तो यहाँ एनओ थ्री एनओ थ्री दो दो इसको बैलेंस करो चला जिधर बैलेंस यहाँ दो है तो यहाँ दो दो चार देना पड़ेगा अच्छा इसको बैलेंस कर लेना हिट एंड ट्रायल मेथड से जैसे तुम करना चाहो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला आप इसको बैलेंस कर लेंगे अगला क्वेश्चन एच एन ओ थ्री हो जाएगा आंसर देखो यहां पर क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है आ, हम आपको बताते हैं एक जैसे हम लोग चला पढ़ते हैं कि एच सी एल अनुपात एच एन ओ थ्री एक्वारे जिया। एक्वारे जिया बोले तो HCL अनुपात बराबर हो जाता है हम लोग पढ़ते थे यहाँ एक है तो यहाँ तीन होगा यहां तीन अनुपात एक होगा अब चला जो क्वेश्चन है, है। यहाँ पेल तीन और सान्द्र एच एन ओ थ्री एक सान्द्र एच सी एल और सांद्र एच एन ओ थ्री इसका चला आंसर ये होगा इसका जो आंसर है हम बता देते हैं आपको दिख नहीं रहा होगा सांद्र एच सी एल अनुपात सांद्र एच एन ओ थ्री यही क्वेश्चन है सांद्र एच एन ओ थ्री तब तो ये बना देगा चला तीन अनुपात एक आई ध्यान रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन है आगे जिसमें आपको गोल्ड और प्लेटिनम यहाँ सांद्र सांद्र होगा यही यहां दिया हुआ है यहां जो ऑप्शन है चला सांद्र सांद्र मतलब ये आपका आ, चार डी नंबर ऑप्शन जो कि सही है और वो है चला डी नंबर ने सी नंबर ऑप्शन जो कि सही है वो है सांद्र HCL, सांद्र HCL के तीन भाग आ, अनुपात सांद्र HNO3, शांद्र HNO3 के एक भाग ये आंसर है ये आंसर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं आप टेंशन ना लो ये आंसर है सांद्र एच सी एल के तीन भाग सांद्र और तनु करके दिया सांद्र का मतलब होता मोटा तनु का मतलब होता चला पतला सांद्र मतलब क्या मोटा तनु मतलब क्या पतला अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो, थ्री, बराबर हो जाएगा तीन अनुपात से प्लेटिनम तो। घुल जाता है गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है लेकिन पहला ऑप्शन ये मारना और दूसरा ऑप्शन ये मारना ये भी क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन है चला पहला गोल्ड मारना और दूसरा प्लेटिनम मारना जल्दी से लिख सब करवा देंगे एकदम टेंशन ना लो जल्दी बता चला हम अपना फर्ज निभा देंगे क्या आप अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हैं और तैयार हैं चला तो लीजिए ना पूरा किताबें हम पढ़ा देंगे हमारा पढ़ा लिए पढ़ाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं अगला लिख लिए, लिख लिए तो जल्दी से चला स्क्रीन शॉट एकदम नोट करते जाइए क्वेश्चन बाई क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है चला देखो यहाँ पर CCL4 फोर हो जाएगा आयनिक यौगिक नहीं है ये दोनों जो है चला आयनिक यौगिक नहीं है एगो तो एक कॉमा होगा यहां यानी ये दोनों आयनिक यौगिक नहीं है ये दोनों स्व संयोजक है संयोजक योगिक है पूछेगा जहां से वहीं से बना देना सौ संयोजक योगिक है जल्दी से लिख लो सो एच सी का जो चिला चला सी सी एल फोर ई HCl सी सी एल फोर CCl4 फोर सी सी एल फोर ये दोनों आयनिक योगिक नहीं है एन ए सी एल ये एन ए प्लस और सी एल माइनस में टूटता है के सी एल जो है ये के प्लस एंड सीएल माइनस में टूटता है तो आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर जल्दी बताइए चला जी आंसर क्या होगा यहाँ कॉमा हो जाएगा जिंदगी आंसर अगला क्वेश्चन पे आते हैं चला जी एकदम सीधी बात नो बकवास

निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म समान आयनिक यौगिक द्वारा आयनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित आयनिक यौगिक द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता आयनिक यौगिक का हम जब भी बोले थे नाम लेना है की की बात बात करनी करनी है है आयनिक यौगिक का जब भी नाम लेना है आयनिक यौगिक का जब भी नाम लेना है एल की बात करना है कौन नहीं है तो बता जल्दी से आंसर बता जल्दी से बता तुम पढ़ा हुआ है जल में भी लेता एकदम है जल में घुल जाता है नमक में विद्युत चालक एकदम गलत है चला में चालक होते हैं आपको भी पता है चला द्रव अवस्था में चालक होते हैं है. 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 यही तो पकड़ा गया उच्च गलनांक और विद्युत मतलब हो गया द्रव गलित मतलब द्रव एग्जैक्ट क्वेश्चन कॉपी एंड पेस्ट कर दिए है चला क्या है दो जमाने से जल्दी से बता आंसर अगला क्वेश्चन जिसमें इसमें इस टाइम नहीं देना है मतलब नहीं देना यही सब क्वेश्चन चला पूछ रहा है मोर देन वन ऑप्शंस आर देयर बट क्वेश्चन इज टू इजी निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रा के प्रकृति में मुक्त यहां होगा चला एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है किताबें में हिंदी मीडियम में गलत दिया हुआ है और इंग्लिश में सही है मुक्त अवस्था में पाई जाती है जल्दी बता चला जल्दी बता चला सोना और चांदी चला ये आपको हम बोले थे जल्दी से बताओ के के होगा जल्दी बता एगो तो सोना होगा के साथ और देखो तो के, है। दू के साथ तीन भी है दो के साथ चार भी है के साथ एक को है पता है पूछने वाले को कि सोना तो मारवे करेगा अगला बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा वट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ग्यारह जल्दी से बताओ जल्दी बताइए चला जी क्या होगा सोना और कौन कॉपर या चांदी आप क्या मारने जा रहे हैं कॉपर या चांदी जल्दी बताइए ये दोनों होगा क्योंकि चला ये रिएक्टिविटी सीरीज में भी हाइड्रोजन से नीचे है ये ध्यान रखना रिएक्टिविटी सीरीज में ये हाइड्रोजन से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में ये यहां से भी क्वेश्चन चला पूछ रहा है में हाइड्रोजन से नीचे है हाइड्रोजन से नीचे है इसलिए कम अभिक्रियाशील है इसलिए कम अभिक्रियाशील है इसलिए कम अभिक्रियाशील है अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा इसको सिक्का धातु भी तो कहते हैं ये दोनों को चला सी यू ए एयू तीनों को कहते हैं ये सिक्का धातु भी कहलाता है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा वट इज आंसर ए जी एंड एयू इज द राइट आंसर जल्दी बताइए आंसर ए जी और एयू यानी दो और चार किधर है दो और चार आंसर पूरा किताबें पढ़ा देंगे चिंता है एस के पूरा पढ़ाएंगे चलवा को फंसने नहीं देंगे चलवा हमारे अगर तेरे सांस में दिक्कत होगी तो खरीद लेंगे एकदम टेंशन नहीं लेते ठीक ना वादा खिलाफी नहीं करते हैं हम अब दो एक आध को किताब है तो पढ़ा देंगे इतना का टेंशन लेना है ओए -ओए -ओए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला एकदम नंबर देख के सोल्यूशन लिखते हैं विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु के विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है ओए होए 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 जल्दी बता केकरा जो है विद्युत आपको विद्युतीय निष्कर्षण विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता है जल्दी बता क्वेश्चन नंबर जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा चला देखो एयू सी यू और अलूमिनियम विद्युतीय निष्कर्षण विधि द्वारा इसको परिष्कृत किया जाता है लिख लो विद्युतीय लिखोगे चला तो याद रहेगा विद्युतीय निष्कर्षण विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता विद्युतीय निष्कर्षण निष्कर्षण विधि द्वारा निष्कर्षण विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता परिष्कृत किया जाता विद्युतीय निष्कर्षण विधि द्वारा परिष्कृत किया जाता सोना सोना कॉपर और अल्मोनियम को आप जल्दी से बता दो एक एंड के के दो केने एक एंड दो केने एक एंड दो है। सरिया के आंसर एक बार खाली चलवा को देख लेना है। हो, हो जल्दी बता खाली चला तुमको रेगुलरली पूरा का पूरा क्लास सारा देखना पड़ेगा एक बार हम करवा देते हैं तुम्हारा काम हो जाएगा अगला क्वेश्चन कहता चला वायु में लंबे समय तक उद्भा उदभाषण से सिल्वर की वस्तु में काली हो जाती है ये तो चला तू बना देगा ना हम तोरा कितना बार बताए हैं सिल्वर जो है सल्फर से भी करता है और एजी टू एस दे देता है जिसके कारण काला हो जाता है जल्दी बता आ, एक बार बताए थे कॉपर पर जो कॉपर पर कॉपर जो है ये हाइड्रोजन से भी करता है हाई है, हाइड्रोजन सल्फाइड से भी करता है और एच टू एस का निर्माण करता है या कॉपर जो है वायुमंडल से भी करता है वायुमंडल से विक्रिया करता है और H2S का निर्माण करता है जिसका रंग हरा होता है अब जल्दी से बता देगा कि हम बताएं Ag2S भी है और Ag3N भी है जल्दी बता आंसर दोनों दिया हुआ है आप जल्दी से आंसर कर देंगे तेरह नंबर का फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको पता है Ag2S ही डायरेक्ट किताबों में भी अवेलेबल अब, है इसको तो पढ़िएगा मिल जाएगा यही दूगो है या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा आंसर चित की हवस नहीं नड़ा नड़ा डड़ा 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 आंसर लिख लिए जल्दी हम एकदम हट जाते हैं चला जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लीजिए बढ़िया से या लिखते जाइए पट 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 तो हर हाथ चलना चाहिए एक कॉपिया निकाल लो अगला अगला कहता किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन में जंग से बचाने के लिए, के लिए। ये तो चला एकदम सिंपल क्वेश्चन है जिंक मार देगा एक टाइम नहीं बिताएंगे गलबेनाइजेशन जिंक एक में एकदम हम टाइम नहीं बिताएंगे स्टेनलेस स्टील सबको पता है निकेल और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील में अगर कार्बन की मात्रा कहे कार्बन का प्रतिशत कहे वैसे कार्बन का प्रतिशत कहे चला कार्बन का प्रतिशत कहे तो कहेंगे चला जीरो पॉइंट फाइव टू वन पॉइंट फाइव परसेंट वन पॉइंट फाइव परसेंट अब जल्दी निकेल और क्रोमियम हो जाएगा चला कॉपर तो होता नहीं है स्टील में यहां भी कॉपर है यहां भी कॉपर है निकेल और क्रोमियम हो जाएगा कितना बार पढ़ाई भी है इस पे अपना टाइम व्यतीत न करते हुए हम लोग चला बढ़ जाएंगे आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग खूब बढ़िया से देखने वाले हैं अगला क्वेश्चन यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है या हरे रंग का परत प्राप्त कर लेता है यह किसके निर्माण के कारण होता है अभी तो तुरंत चला बताए थे H2F, लेकिन H2F तो है ये नहीं ऑप्शन अब जल्दी से बता दीजिए अगर ऑप्शन में नहीं है तो कैसे बनाइएगा एक क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिए चला जी आप आंसर आपके सामने होगा सी यू जब एस टूओ से अभी क्रिया करेगा क्या कर रहा है कॉपर वायु में खुला रखा जाता है यह अपनी चमकीली सतह खो देता है और हरे रंग का परत ऑप्शन तो में नहीं है ऑप्शन में नहीं है चला तो कैसे बनाइएगा सी यू जब एस टू से अभी क्रिया करेगा सी टू अब प्लस सी ओ टू अ प्लस ओ टू, टू। यह सब जब आपस में अभिक्रिया करता है चला तो जल्दी से बता दीजिए क्या देने का आपको लग रहा है कि क्या दे सकता है क्या दे सकता है चला सी यू ओ एच हेलो हेलो सी यू ओ एच और सी यू सी ओ थ्री जल्दी से रिएक्शन नोट कीजिए हेलो एक मिनट हाँ

यहाँ चला प्लस है जल्दी से पूरा का पूरा किताब खत्म अगला बताइए चला जी आंसर क्या होगा जल्दी से रिएक्शन लिख लिया धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे पर द्रव अवस्था में पाई जाती है में हम अपना टाइम व्यतीत नहीं करेंगे अधातु कहता अवस्था में तो चला ब्रोमीन मार देता हो इसमें क्वेश्चन में कोनो जान नहीं है मार देगा खट्टाक अगला क्वेश्चन एकदम टाइम नहीं व्यतीत करेंगे क्योंकि चलवा के पास टाइम नहीं है निम्नलिखित में से है मल्टीपल ऑप्शन से पढ़ना पड़ेगा पढ़ लेंगे निम्नलिखित में से कौन सी गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों का विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है जल्दी बता गलित अवस्था में उसके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है वट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर अठारह जल्दी बता बड़ी आंसर जल्दी बता दो जल्दी से बता दो आंसर क्वेश्चन नंबर अठारह का जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा चलाई देखो ए, सोडियम और कैल्सियम ई जो है गलित अवस्था में क्लोराइड के विद्युत अपघटन से इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि है रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है इसीलिए चला और ये तो होगा नहीं ये तो अभी क्रिया करवे नहीं करेगा जल्दी छोड़वो नहीं करेगा विद्युत तो अपघटन होगा इसका एन तो ए सी एल और सीए सी एल टू तो ऐसे भी चला क्लोराइड आप दुए गो पढ़े होंगे मेनली एक -सी -एल या के -सी -एल या इसी में से कोई एक ऑप्शन देगा क्लोराइड के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है दैट इज इसके क्लोराइड से मिलता है इसीलिए क्योंकि यह नमक अवस्था में होता है इसके क्लोराइड से मिलता है यानी एक लाइन में आप कहिए चला तो फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो है ये जो प्राप्त होते हैं चला जी ये क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होते हैं आंसर चीत की हवस है ना 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 क्या लिख रहा है रे सर क्लास में आ सकते हैं क्लास में चला कहाँ आइएगा क्लास में जगह थोड़े स्टूडियो है साउंड चला कम है एक बार जल्दी से साउंड अगर ठीक है तो एक टाइप करो रिएक्शन इस क्वेश्चन में अठारह स्टार मार लो अगला क्वेश्चन धातुएं चमकीली नहीं होती नहीं से कौन सी हो? धातु है मारो, 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 चला, क्या होगा आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर उन्नीस चला नमक आपको चमकीला दिखता है आ, ये ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा अगर चला तो ओके साथ डबल बॉन्ड होता है चूंकि एन का पूछ दिया है इसलिए ओ का पूछ दे पूछ सकता है ईंधन नहीं है Osionfish. अगर चला वो थ्री का पूछेगा लिखते जाओ लिखते जाओ ओ के साथ डबल बॉन्ड बॉन्ड सल्फर बहु परमाणु होता है सल्फर चला बहु परमाणु होता है सल्फर चला बहु परमाणु होता है नाइट्रोजन <N -2> सबसे अधिक वायुमंडल में पाया जाता है और N2 गैस के साथ जो बॉन्ड होता है चला वो ट्रिपल बॉन्ड होता है आ इसी को चला अगर एनसीआर की बात करें तो यहाँ क्या किया है सा 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 पांच को होता है ना नाइट्रोजन सात होता है दो पांच होगा रहा है बताइए ये सही कौन सा सही है तो इस टाइप का जो होगा तीन दो पांच तीन दो पांच ये सही है इस टाइप का भी एक क्वेश्चन पूछा जल्दी जल्दी लिखते जाओ इस टाइप का जो होगा चला वो सही होगा इसी तरीके से हाइड्रोजन का भी पूछा हम आगे जल का वो भी चला हम आपको बताएंगे जितना लिख रहे हैं चला सब का क्वेश्चन है या पूछ सकता है फुल डिटेल डिस्कशन होगा चला एकदम डिटेल डिस्कशन अगला 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 दुश्मनों का सीना छल्ली करेंगे चला अब की बार हमारे घर में ढोल नगाड़े बजने से एनसीआरटी भी नहीं रोक सकता है ठीक ना ओकरो पढ़ के फाड़ देंगे कहते हैं निम्नलिखित चार धातुओं में कौन सी उसके लवण के विलियन से अन्य तीन धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है जल्दी बता निम्नलिखित में से कौन अन्य तीन धातु के द्वारा विस्थापित किया जा सकता है जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा जल्दी बताइए चला आंसर क्या होगा वट इज आंसर इसका ई चला क्वेश्चन हम आगे, आगे आपको पढ़ाने वाले हैं तो वहां और ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसको अभी हम पेंडिंग में रखते हैं वहां आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा अब यहां देखिए क्वेश्चन अभी हम बताए थे आपको आप बताए थे तो आप ध्यान नहीं दिए होंगे क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है क्वेश्चन देखिए इतना बढ़िया क्वेश्चन है लेंदी आ क्वेश्चन में कुछ नहीं है वही एक्वारेजिया वाला क्वेश्चन है अभी जो बता रहे थे हम कहता तीन है क्या क्या परिखनली है चला एगो ए है हमारा चलवा डरेगा एगो बी है आ एगो चलवा हमारे सी है कथा क्रमश्र एच सी एल एगो में एच सी एल है एगो में एच एन ओ थ्री है तथा सांद्र एच और सांद्र एच थ्री ये क्वेश्चन भी पूछा है पीछे था दोनों सांद्र सांद्र होगा इसमें जो है चला अगे माए गे माय एक में ना चला ये आदत डाल लो सांद्र सांद्र एचल अनुपात सांद्र एच थ्री है वेरी गुड तथा तीन अनुपात एक के मिश्रण में लिए गए हैं इसको जो है चला तीन मैं क्या और हो करता और चनु, ए, है इसका मतलब चला एक्वार है हम बोले इसमें चला क्या होता है तो इसमें चला गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है लेकिन हम बोले थे अगर दोनों ऑप्शन में देगा तो पहला ऑप्शन गोल्ड होगा दूसरा प्लेटिनम अगर गोल्ड में रहेगा तब तो प्लेटिनम कहता है प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया परखनली ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्यों होगा परिवर्तन क्योंकि इसमें तो एच सी एल और चनोत्री ये तो तब परिवर्तन होगा जब एक बार बनाएंगे और दोनों को मिला देंगे तो कह रहा है ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ पूरा थ्योरी दे दिया अब कह रहा है चला कि परंतु परखनली सी में धातु धुल गई एकरा में जो धातु दिए थे वो धुल गई तो धातु हो सकती है एगो यहाँ गोल्ड भी दे दिया एगो प्लेटिनम भी दे दिया था गोल्ड हो जाएगा क्योंकि प्लेटिनम अधिक कठोर होता है या भी धुलेगा चला लेकिन इसकी कठोरता इसीलिए तो इसको सबसे कठोर धातु कहा जाता है सबसे कठोर धातु कहा जाता है इसलिए सेकंड ऑप्शन होगा प्लेटिनम को सफेद स्वर्ण भी कहा जाता है इसको चला देखो क्वेश्चन में कुछ है एडम उत्पे थोड़ा सा भाई मेरा पढ़ लेगा अब पढ़ के जाके फाड़ देगा जल्दी बता एडम उत्प्रेरक भी कहते हैं सफेद स्वर्ण भी कहते हैं आंसर फुल डिटेल है चेला एकदम झुकेगा नहीं आंसर मारेगा चेला हमारे हो गया

मिश्रण है। तो क्या है? क्या जो अकेले हो सूत्र होता है, अकेले सूत्र होगा तो तत्व तो तो होगा और किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा किसी के साथ सूत्र होगा जैसे H2O, CO2, तो यौगिक हो जाएगा अकेले हो सूत्र होगा तो तत्व तो हो जाएगा अकेले सूत्र होगा तो तत्व जैसे आयरन हो गया क्लोरीन हो गया कैल्शियम हो गया किसी के साथ सूत्र होगा तो यौगिक होगा और जल्दी से बता दो मिश्र धातु समांगी है जबकि कोलाइड हो गया कोलाइड का एग्जाम्पल ले लो तुम दूध कोलाइड का एग्जाम्पल ले लो तुम दूध और दूध क्या है चला विषमांगी मिश्रण है अब जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर जल्दी से लिख लीजिए जल्दी लिखो चला हम आठ जाते हैं एकदम तुरंत लिख लो धाई से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा चला कुछ नहीं करना है आपको कल से तो पीडीएफ आपको एकदम मिल जाएगा पहले ही आप खट खट ले लीजिएगा आंसर बता कहता एक विद्युत तो अवघनी सेल बनाता है आये हाय 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 सबको पता है धन होगा धन होगा तो एनोड होगा होगा कैथोड होगा सबको पता है आ एक चीज ध्यान रखना पॉजिटिव होगा तो कत होगा उल्टा होता है होगा तो एनायन होगा जल्दी से लिख लो जानू आंसर बता दे हमर परानू आंसर की होगा अगर चला लाइव बीच में कट जाए तो दो मिनट के लिए बस टॉयलेट करके तुम लोग आ जाना तो सर इंटरनेट घुसाएंगे तुरंत चालू कर देंगे आज तीन तीन गो इंटरनेट की व्यवस्था है है ना दूसरा इंटरनेट दूसरा इंटरनेट है ना हाँ धन तेन वही समय ना कि कट गया तो गिल लो नहीं गिल लो फिर अबो छोरबो ना आंसर बता चला धान तक थोड़ ना धन तेन वीन तक थोड़ मारेगा तीन और चार तीन और चार के नहीं आंसर यही सब चला क्वेश्चन है खाली एक से अधिक ऑप्शन के साथ पूछ दिया है अगला 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 लिख लिए जल्दी से लिखिए जल्दी से चला लिख लीजिए हम हट जाते हैं एकदम इंपॉर्टेंट है इध्यान रखेगा। जैसे चला का का ले ले लो अगर लोगे ना तो प्लस होता है एन एच फोर प्लस इसका एनायन का तो माइनस ना होगा तो माइनस होगा चला तो सीओ थ्री डबल माइनस जल्दी से एक बार एग्जाम्पल लिख लो इसका

अरे एक क्वेश्चन मार दिया का? है अगला क्वेश्चन जल्दी बता चला जिंक के विद्युत परिषकर के दौरान क्या होगा तो चला आपको पता है जिंक जेडन टू प्लस होता है तो चला लड़का लड़की के पास न जाएगा आई लड़का है प्लस है तो प्लस है चला तो ये खुद है एनोड ये खुद है एनओड तो ये जाएगा कि अगर इसको आप ऐसे कहिएगा तो कैटायन है लेकिन है तो, तो प्लस प्लस ना तो माइनस पर जाएगा तो माइनस पर जाएगा तो क्या थोड पर जाएगा अब जल्दी से बता दीजिए आंसर नहीं बताइएगा बताइएगा कि पिटू पिटू करेंगे आपको जल्दी बताइए जल्दी से लिख लीजिए कहां पर निष्पित होगा जिंक पर जेड प्लस प्लस है तो जेड प्लस प्लस है चला क्या थोड़ पर निक्षेपित होगा आंसर चूंकि प्लस है प्लस माइनस पर जाएगा क्या बोले तो माइनस अभी तुरंत पढ़ाए हैं लिखते जा मेरी जान लिखते जा मेरी जान पूरा किताब पढ़ा देंगे हम कुछ ना छोड़ेंगे कुछ ना छोड़ेंगे सनम जल्दी बता जकरा से चलवा के रिजल्ट होगा रेलवे पागल हो गया हम होकर बड़ का पागल उतना तो 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 हिम्मत है चला जवानी जिंदा है पढ़ा देंगे एक तत्व ये मुलायम है आये हाय यही सब पूछ रहा है ना चलवा सब गड़बड़ा रहा है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है हाय 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 काटा जा सकता है कतैया वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तू पहुंच गया होगा अपने तत्व के पास क्योंकि किताब सब में सब में लिखा है चला मेरा पहला सोडियम का प्रॉपर्टीज पूछेगा यही लाइन लिखाल है लेकिन चला क्वेश्चन में देखो झोल है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता या जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है निम्नलिखित में से इस धातु को पहचानिए पहचानिए ना जी 25 नंबर में कौन होगा आंसर? जल्दी से पहचानिए ना जी आप नहीं पहचानिएगा तो हम पहचान लेंगे सोडियम इज़ द राइट आंसर। नहीं मारिएगा खाली क्वेश्चन को घुमा फिरा के यही सब तो पूछ रहा है तो लड़का कहता है सर तनि घुमा दिया तो घुमा दिया तो क्या हुआ चलो बनाएगा थोड़ा सा अगला 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 खाली चला की किया है क्वेश्चन में लैंग्वेज गड़बड़ा दिया है आगे एमआई एमआई हो क्वेश्चन बड़ा मजेदार है बड़ा मजेदार है मजा ले ले के बनाइए 26 नंबर जल्दी से बताइए निचला ऊपर वाला हो जाएगा कॉपर जिंक और कॉपर टीन ये हो जाएगा चला कॉपर और प्लस जिंक और ये हो जाएगा कांसा कॉपर और प्लस टिन अब देखिए ये भी धातु ये भी धातु ये भी, ये भी धातु ये भी धातु स्टील होता है चिला आयरन प्लस कार्बन आयरन प्लस कार्बन कार्बन चला धातु नहीं है ये अधातु है आगे अमलगम जब जब पारा जब मिलाते हैं तो अमलगम बनता है क्वेश्चन पढ़िए तो आपसे बनता है कि नहीं क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा पढ़िए और चला हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर क्वेश्चन एग्जाम्पलर से ही पूछेगा तो आप अगर सारी कक्षा अटेंड करते हैं तो ए टू जेड क्वेश्चन आपको हम समझा देंगे डोंट वरी हो जाओ और जल्दी से पढ़ लो मेरी जान डोंट वरी एकदम डार्लिंग डोंट वरी हो जाओ मिश्र धातु एक धातु अथवा और धातु के साथ समांगी मिश्रण है निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयवों के साथ और धातु रखता है मारक इंडस्ट्री स्टिलवा के, के सरिया की छोड़ देंगे बाकी तो दोनों है चला दोनों है इसमें कॉपर कॉपर दोनों में अधिक होता है जल्दी बता व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर दिस वन इसको चला कहते हैं मंजू मेटल ये ध्यान रखना इसको कहते हैं मंजू मेटल इसको कहते हैं चला मंजू मेटल इसको कहते हैं कासा के बेल बनता है घंटी इसको कहते हैं बेल मेटल मंजू मेटल और बेल मेटल जल्दी बताइए चला जी मंजू मेटल और बेल मेटल आंसर अगला क्वेश्चन बाप रे क्वेश्चन देख के डरेगा हमारे चलवा चलवा नहीं डरेगा चला एकदम नहीं डरेगा क्वेश्चन को पढ़ेगा अताप चलवा क्वेश्चन बनाएगा भी जल्दी से पढ़ो तो एक बार चला क्वेश्चन यही रुक के पढ़ना है क्वेश्चन बनाना है क्वेश्चन नंबर 27। जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा वॉट इज द आंसर चला एम जब जल से अभी करता था तब तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो तो दे देता है एम जी ओ एच हॉल टू एम जी ओ एच प्लस H2 टू अब जल्दी से एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए जल्दी से रिएक्शन लिख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यह ऑक्सीजन में चमकीला स्वेत ज्वाला इतना नहीं पता है कि मैग्नीशियम से बनता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है चला ये सफेद ज्वाला के साथ जलता है सफेद ज्वाला के साथ जलता है मैग्नीशियम रिबन भी जलता है है हमको गलत चुनना है यह ठंडे जल से भी कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता नहीं चला यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है यही तो खत्म हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड ने यह गर्म जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है एकदम बनाता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलता है यह भाप से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब भी चला इसको युक्त चीज मिलेगा ना ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा पचास को रिएक्शन है टोटल टेंशन लेने का जरूरत है पचास को रिएक्शन हमारे चलवा जब हम पूरा किताब पढ़ा सकते हैं तो पचास को रिएक्शन नहीं देख सकता है जल्दी बता ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं बनाता है चला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है आंसर लेकिन यही चला अगर मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा ना अगर ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तब चला मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बनाएगा लेकिन जब जल से अभिक्रिया करेंगे मैग्नेशियम धातु निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल से अभिक्रिया करवा रहा है जल से विक्रिया करवा रहा है जल से विक्रिया करवा रहा है भाप है तो एक प्रकार का जलिन है चला आंसर गुरुजी क्या बोल रहे है गुरुजी आपको धौलपुर राजस्थान की धरती से प्रणाम जी सर नमस्कार हम्म चला जी एकदम जोश कम नहीं होने देंगे सरिया के हम लोग पढ़ने वाले हैं जल्दी से आप रिएक्शन लिख लिए चला नहीं लिखे तो एक बार लिख लीजिए हम हट जाते हैं लेकिन चला एकदम कंप्लीट लिख लीजिए और जल्दी से बताइए आंसर क्या हो जाएगा जिंदगी लिख लिए और मिटा देंगे हम जल्दी से बता दीजिए चला निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके अवयव के रूप में होता है जब ये कहेगा मरकरी अवयव के रूप में होता है तो आपको नहीं पता है का अमल में मरकरी का होना अनिवार्य है अमलगम में मरकरी का होना अनिवार्य है आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए अमलगम राइट आंसर। अस्थाई अस्थाई चुंबक है अस्थाई चुंबक है ये अलुमिनियम निकेल और कोबाल्ट होता है इसमें स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इसी का बनता है सर्जिकल हथियार सर्जिकल हथियार इसी का बनता है शोल्डर महाभिव्या का मिश्रण होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है चिला शोल्डर शोल्डर किसका है? किसका मिश्रण होता है सीसा और टीन का एकदम कोई शेयर नहीं करेगा सिर्फ पढ़ेगा मेरा चिला आज तक चिला कभी किसी को शेयर करने नहीं बोले ना लाइक करने बोले ना सब्सक्राइब करने बोले आपकी कृपा है चिला की हमारा चैनल बहुत अच्छे से चल रहा है आशीर्वाद दुआ है आप लोगों का और हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं चिला और करेंगे जान लगा देंगे चला तुरा तो लगता है चला ये चेहरे पे कहीं बेईमानी लिखी हुई है हाँ सौ दो सौ रूपया लेके पढ़ा जरूर देते हैं चला वही सौ दो सौ पांच सौ रुपया हमारा फीस होता है लेकिन चला बेईमानी कभी दिल में था नहीं चला इसलिए ना कभी रहेगा आ जाइए जल्दी से आंसर बताइए अगला क्वेश्चन इस पर अपना टाइम नहीं देंगे एकदम नहीं देंगे अगला क्वेश्चन बताइए एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है

साझेदारी करता खाली क्वेश्चन घुमा दिया और की किया है? सब गुण तुरा पता है उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक और गलनांक ठोस अवस्था में एकदम इससे पहले भी क्वेश्चन था ठोस अवस्था में कुचालक द्रव अवस्था में सुचालक द्रव अवस्था में सुचालक अवस्था में सुचालक अवस्था में सुचालक जल्दी से लिख लो आ इसी का एक और गुण हम लिखेंगे चला कार्बनिक घोलक कार्बनिक घोलक की क्वेश्चन पूछा है कि बताओ इथाइल अल्कोहल नमक से अभिक्रिया करेगा एकदम नहीं करेगा कार्बनिक घोलक है कार्बनिक घोलक में अघुलनशील कार्बनिक घोलक में अघुलनशील और अकार्बनिक घोलक जैसे जल में अकार्बनिक घोलक में भुलनशील होता है जैसे जल में नमक चला क्या होता है ये चला तुमको अंदाजा लगाना पड़ेगा अगर आपके पास थ्योरी है तो आपको ये समझना होगा कि उच्च गलनांक और पथनांक है अब जल्दी से बता दो चला आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ आंसर क्या होगा वट इज आंसर निम्न गलनांक हमेशा एक आंसर रहता है क्योंकि इसका उच्च पथनांक और उच्च गलनांक होता है जीत की हवस नहीं डड़ा 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 डरा एकदम चला तुम्हारे तो जीत के हम वादा करते हैं तेरी जीत पक्की करेंगे जो पूछेगा वो पढ़ा देंगे चला देख लो कहीं रे, 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 नेट गया नेट गया कहा चल रहा है रिफ्रेश करो रिफ्रेश अरे बाप रे नेट गया क्या रे चल रहा था हम चल कहां रहे हैं उसमें उसमें कहा चल रहे हैं हाँ चल रहे हैं चला देखना नेट अगर चल जाएगा तो फिर तुरंत लाइव करेंगे आज तीन तीन को नेट की व्यवस्था है लेकिन छोड़ेंगे नहीं अब जल्दी से बता दो तो चला निम्न नाम एग्जाम्पलर का लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है चला अगला अगला आप देखो उच्च गलनांक नंक करता है गलित अवस्था में विद्युत के चालन की क्वेश्चन इससे पहले भी था ठोस अवस्था में पाया जाता है एकदम चलन नमक ठोस अवस्था में पाया जाता है एकदम नहीं जानते हैं क्या आप जी नहीं जानते हैं क्या आप ठोस अवस्था में पाया जाता है एकदम आप जानते हैं नमक किस अवस्था में पाया जाता है खाली क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा था कि चला पकड़ने में दिक्कत हो रहा था हमारे चलवा के लेकिन चलवा तो हमार पकड़ लेगा चलवा है हमारे आई क्वेश्चन चला नहीं पकड़ाएगा थोड़ा हम पढ़ाए उसी से क्वेश्चन है देखो बढ़िया से एक्स वाई जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है दो और आठ है तो भैया तो गैस अक्रिया, दो, रुक 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 दो आठ सात है रुक तो हेलोजन भी है, हेलोजन भी है।, आ, और धातु भी है क्योंकि अधातु के बात कक्षा में पांच छो सात रहता है दो आठ दो है तो दो आठ दो है चला तो दो न है तो दो है इसका मतलब क्षारीय मृदा है देखो नगर ऑपरेशन कर देंगे कि छारिया मृदा है, है। आ, दो है, है इसका मतलब दूसरा वर्ग में है सात है इसका मतलब सातवां यानी सत्रहवा में है आठ है इसका मतलब छारी है। है मृदा है और छारी मृदा है तो धातु है जानू मार दे जल्दी आंसर क्या होगा जल्दी मार हम नहीं मारेंगे चैप्टर खत्म होने वाला है जल्दी से बता बस चला छत्तीस को क्वेश्चन है एकदम देंगे दड़दड़ा के जल्दी बता वाई चिला और धातु है। देखो एक्स धातु है आगे माय माए और क्रिया गैस है नहीं होगा वाई धातु है वाई के भाई कक्षा में सात है काहे होगा जेड और धातु है जेड चिला और धातु है एकदम नहीं है धातु है ये लो अब वाई और धातु एकदम है एक जेड धातु है एकदम है मार के सरिया दो तुम रे मार के सरिया दो तुम रे के अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा ये रहा रे के रहा मार जल्दी से जल्दी बता धातु समय पूरा का पूरा किताब चिला आज बाईस गो लगभग लोग लगे तब पूरा किताब टाइप हुआ है प्रूफ रीडिंग हुआ है पूरा दिन कोई क्लास नहीं लिए हम लगभग बारह बजे के बाद टोटल क्लास बंद कर दिए कि चलवा को हमारे जरूरत हम पूरा करेंगे धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं निम्नलिखित तो में से कौन उभय 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 रे थ्री तोरा ने पता है कि तोरा ने पता है कि पढ़ा पढ़ा के तोरा हम जवान कर दिए हैं रे चलवा जल्दी से बता दो पढ़ा पढ़ा के हम तोरा जवान कर दिया हम तो ब्याह करवाएंगे 203, JNO, अरे चलवा, PBO2, थ्री के, ब्रेक, NCRT के रहे के Ncert के पप्पा रहे क्वेश्चन तो यही रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन जल्दी मार इस सब क्वेश्चन पे टाइम कहां देने वाले हैं हम जल्दी बता सामान्यतः तो विद्युत के चालक नहीं होते एकदम नहीं होते कितना बढ़िया तो बात कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है ग्रेफाइट रे ग्रेफाइट रे ग्रेफाइट रे इस सट फल होता है शट होता है चलवा है चलवा है सबको पता है एक अधातु जो विद्युत का सुचालक है शट फलकीय एस पी टू है, है आ चालक है चालक है सल्फर है सल्फर है एसेट है बहु परमाणु होता है हीरा रंगहीन होता है इसको काला कार्बन भी कहते हैं क्योंकि इसका रंग काला होता है काला कार्बन कहते हैं की कहते हैं चला मयो काला कार्बन कहते हैं फुलरीन एक हम चीन रहे कार्बन सिक्सटी जियोडेसिक संरचना जी जल्दी जल्दी लिख फुटबॉल का आकार फुटबॉल के आकार का जियोडेसिक संरचना जल्दी से लिख जीत की हवस नड़न नड़ नड़ गाना नहीं आता हमारा जितने आता उतने हम गा रहे हैं पता चला आंसर क्या होगा फूल ऑपरेशन है क्वेश्चन के एनसीआरटी के पप्पा बोर्ड पर है लिख पढ़ खत्म कर क्या लिख रहा है गैस हो oh, oh. एक लिखता है हो गया एग्जाम मेरा सर आपका गर्दा उड़ा दिया सर खूब फंस रहा था न्यूमेरिकल सेम टू सेम वेरी गुड चला जगह नहीं हुआ है वह होगा देखते हैं एनसीईआरटी के पप्पा में कितना दम है हम तो देखें चलवा हमारे पढ़ पाता है कि नहीं विद्युत तारों में विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है सामान्यतः तो उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ कौन है

कौन होगा और कौन नहीं होगा ये सब रिएक्टिविटी सीरीज का मामला है चला जल्दी से एक बार बताओ आंसर तुम एक बार अटेम्प्ट करो फिर हम लोग बात करते हैं इस पर चला सिर्फ और सिर्फ ये अभिक्रिया संपन्न होगी एफ फोर बना देगा सी बाद बाकी एक भी अभिक्रिया ये संपन्न नहीं होगी क्योंकि चला ये जो है ना रिएक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है और ये नीचे इसलिए एक दूसरे को ये विस्थापित करेगा यहाँ एफ ही जो है ना ये बलशाली है स्ट्रॉन्गर है बल्साली अगर स्ट्रेंथ की बात करें स्ट्रोंगर की बात करें तो एफी ज्यादा स्ट्रोंगर है कॉपर कम है अब बाद बाकी चला ऐसा कहीं नहीं है इसीलिए देखो कॉपर में कम जंग लगता है एफी में ज्यादा जंग लगता है इसलिए एफ जो है ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए एफ हटा देगा बाकी कोई नहीं सीसा चला और मैग्नीशियम नहीं होगा ये सब कोई अभिक्रिया नहीं होगा एकदम एक बार चला इसको देख लो बढ़िया से हाईलाइट कर लेना आंसर हो जाएगा कितना डी फॉर डॉग क्योंकि स्ट्रॉन्गर रिएक्टिविटी है रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्गर रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्गर रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्गर रिएक्टिविटी इफ द राइट आंसर जल्दी से अगला क्वेश्चन ओए होए होए एक क्वेश्चन और है चला एक क्वेश्चन और था वो क्वेश्चन 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन था उसमें चला थाग एनोड और कैथोड वाला क्वेश्चन धाम दूंगा करवा देते हूं अभी चला उसमें फिगर दिया हुआ है फिगर के कारण चला टाइपिस्ट भाग गया तो नहीं किया होगा हम बता देते हैं एक क्वेश्चन और है एनसीआर ये प्लस है, ये, है, तो प्लस है तो ये एनोड है ये एनोड है और ये माइनस है चित्र दिया हुआ है फिर बाद मैंने कहा ना ये पढ़ाई नहीं थे पूछ दिया कैथोड है एनोड जो है ये त्याग करेगा चला कॉपर प्लस का सी प्लस प्लस का और इस पर जो है आकर जमा होगा Cu++। यू प्लस 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 का त्याग करेगा एनोड है तो त्याग करेगा अब प्लस है तो माइनस पर आकर जुट जाएगा कैथोड ये सही है कि एनोड त्याग करेगा ये हमेशा ध्यान रखना त्याग करेगा इसीलिए तो ये प्लस चार्ज होता है ये कैथोड है तो कैथोड चला क्या करेगा ये माइनस होता है माइनस होता है इसीलिए तो ये ग्रहण करता है माइनस होता है चला जी तो ग्रहण करता है माइनस होता है क्योंकि ये ग्रहण करता है क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं दे पा रहे हैं चला आप समझो 22 लोग लगभग लगे हुए थे चला आठ से नौ तो प्रूफ रीडर था और 10 वो टाइपिस्ट था जब जाके पूरा किताब को मार दिया तो यो बचले है कल फिर सारा टाइपिस्ट को सुबह सुबह बुलाएं एनोड त्याग करेगा क्या थोड़ा ग्रहण करेगा एंड दैट्स द एंडिंग ऑफ योर नॉन मैचुरचुर चैप्टर आते हैं हम लोग अगले चैप्टर में अगला चैप्टर क्या करना है जल्दी से बता दीजिए ये एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया आ, कितना टाइम लगा हमको एक घंटा तो चला सोलह चैप्टर यानी सोलह घंटा पकड़ के देंगे सरिया कुछ बचेगा रे पूछो अगला चैप्टर का पीपीटी है रुक जा है, हे, हे, हे। एक तो खोज रहे थे टेबल मारो हेडिंग प्रियोडिक टेबल की, की लिख रहा है हाँ एग्जाम्पलर से आए के कहीं से आए एसके जा चचा है ना छोटा हम तो चचा है रे भैया है मारे पीट के जान ले लेंगे चलो आ जाओ कितने लोग थके नहीं और प्रियोडिक टेबल के हम चला हम खड़े भी हैं और बोल भी रहे हैं हम नहीं थक रहे हैं तुमको थकने देंगे तू चला एकदम बेड पे बैठ जा और बैठो सोना नहीं आंसर बता किस तत्व का अष्टक नियम लागू हो पाया किस तत्व तक एक हम कैल्सियम तक आ न्यूलैंड का अष्टक नियम न्यूलैंड का नियम, यही सब रहा है चला न्यूलैंड का अष्टक नियम अंतिम तत्व क्या है अंतिम तत्व है थोरियम ये सब तुम लोग रिव्यू में देख रहा होगा प्रारंभिक तत्व है हाइड्रोजन और नियम लागू होता है कैल्सियम तक तत्वों की संख्या है छप्पन छप्पन तत्व है जल्दी से मारो अब अगर थोड़ा आगे बढ़ेगा तो कहेगा पहले तत्व का गुण आठवें से मिलता है दूसरे तत्व का गुण दसवें से नौवें से मिलता है जल्दी बता, उसको डाउन करो एरो पे क्लिक करो एरो पे क्लिक करो आंसर 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 जल्दी बता इस सब क्वेश्चन पे अपना टाइम ना देते हुए

इसमें मेंडलीफ है सब है मोसले के अलावे मेंडलीफ है न्यूलैंड है मेंडलीफ है चला न्यूलैंड है और अरे 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 और अरे और अरे मेंडलीफ है न्यूलैंड है और डोबेरनर है आ जाओ डोबेरनर के भी सब सवाल करेंगे हम चला इतना तो है इतना पतका पत्रका तो एनसीईआरटी की किताबें हैं हमारे किताब के, के आधा के आधा के आधा है एग्जांपल पढ़ा देंगे काहे टेंशन ले एक किताब चला हम दो दिन का टारगेट बनाएंगे तो पढ़ा खत्म कर देंगे अगला सब चला परमाणु भार के आधार पर ही तीनों है मौसले परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में अगला क्वेश्चन मारन जगह पे टाइम नहीं लेना है पे टाइम नहीं लेना है बेंडलिफ्ट की आवर्ष में उन तत्वों को रिक्त स्थान छोड़ा गया था जिनकी खोज बाद में किया गया स्कैंडियम गैलियम और जर्मेनियम देख लो कौन कौन है निम्नलिखित में से किस तत्व का आवर्षाणी में बाद में स्थान मिला तो चला बाद में जो स्थान मिला था उसमें तीन तत्व थे स्कैंडियम था गैलियम था और जर्मेनियम था एक को दिया है जर्मेनियम मार के मार्के दो जल्दी लिख पढ़ाने के लिए मेरे पास कलेजा है हम खड़ा होके पढ़ा सकते हैं तेरे लिए तू पढ़ने के लिए तैयार है क्योंकि इस बार हमको मिठाई खाना है तो जे कहेगा वही पढ़ा देंगे लेकिन थोड़ा सा मिठाई खाएंगे भैया भैया लो बड़का क्वेश्चन भैया लो बड़का क्वेश्चन भैया लो रे लो रे डरिया न पढ़े दे हमारे चलवा के ओए होए, ओए राजू जल्दी से बनाइयो, पढ़ियो क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए चला जी क्वेश्चन जल्दी से आप पढ़ लीजिए ये तो आप तब तक क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन गलत है ओए कथा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक महागलत आधुनिक अवर सारणी के तत्वों के उनके बढ़ते परमाणु भार परमाणु भार ने परमाणु संख्या गलत अवर सारणी में समस्थानी को संलग्न समूहों में रखा गया एकदम नहीं रखा गया चला रूग, 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 रूग। ये भी गलत नहीं रुक 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 संलग्न एक मिनट आवर सारणी में समस्थानी को, को संलग्न समूह मतलब एक ही लगे हुए समूह में रखा गया मतलब उसी समूह में रख दिया गया इस सत्य वचन है अब की आवर सारणी में अलग अलग स्थान मांग रहा था इसको तो आधुनिक सारणी में एक ही स्थान ने दिया क्योंकि परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था फिर कहता है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया देखो पढ़ो चला आंसर क्या होगा बता आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया तो चला सत्य है आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया संलग्न समूह मतलब एक ही समूह में रखा गया सही है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया भी सही है ये भी सही है चला ये भी सही है तुम्हारे हिसाब से देखो तो क्या सही है एक और दो चला गलत है यहां पर यह नहीं होगा एक और दो चला गलत है आधुनिक और सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया ठीक तो है कि यहां चला लिए देख रहा है, टाइपिंग में एरर है केवल एक केवल दो केवल एक यहां टाइप हो गया है हड़बड़ा के चुके टाइप किया इसलिए गड़बड़ हो गया आंसर बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हो रहा है सी और डी तो सही है यहां चला गलत चुनना है कौन सा कथन गलत है तुम्हारे हिसाब से क्या आ रहा है सी तो है लेकिन चार नंबर नहीं होगा आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के उनके पर, बढ़ते परमाणु उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया आंसर हो जाएगा चला सी4 कट लेकिन एक और दो होगा अगला क्वेश्चन ओए क्वेश्चन पढ़ा तो है चला टाइपिंग में एरर होगा एनसीईआरटी में भी चला ये दो जगह गलती है आज हम पकड़े एकदम सघन से विरल माध्यम वाला गलती है आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है आधुनिक आवर्त सारणी आए हाय हाय के इतने तक तो चला क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तुम मेंडलीफ में आवर्त की संख्या सात है हम खड़े रह सकते हैं क्या तू खड़ा है बैठ के पढ़ सकता है आ का जो प्रियोडिक टेबल है इसमें चला आवर्त की संख्या सात है वर्ग अठारह है यो क्वेश्चन पूछा है जनवा हमर बना देगा जल्दी बता पानी अरे पानी दो रे हे माय कौन पानी है ठंडा की गरम कहते हैं चला मेहनत करने वालों की हार नहीं होती मेहनत करोगे तब न जीतोगे आंसर बता इसमें अठारह क्षतिज पंक्तियां गलत है इसमें सात उर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं उर्ध्वाधर को आवर्त थोड़े कहते हैं इसमें अठारह उर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं ये तो चला सत्य लग रहा है इसमें सात क्षतिज पंक्तिया जिन्हें समूह कहते हैं गलत है सिफुर के मारा मारा रे अगला 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 चला बता दे मेरी जाने मोहब्बत जाने पिंखड़िया हमर ए बी सी डी ई दो तीन दस तीस समान आवर्त से संबंध कौन है चला बढ़िया देखो पहला जो आवर्त है हम दिखाते हैं चला थोड़ा सा इमेजिन करो पहला आवर्त में यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हीलियम है अब बात कर रहा है चला तो इसका मतलब एक है कर एक दो है तो कभी नहीं होगा अब चला आठ तक तो है दूसरे में यहां 3 है, नियोन दस होगा इसका मतलब तीन से लेकर दस तक जो सेकेंड आवर्त का होगा वो एक ही आवर्त का होगा अब जल्दी से बता दीजिए कौन होगा तीस तो एकदम नहीं होगा अब दो एकदम नहीं होगा क्योंकि दो पहले आवर्त में है अब जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर बी सी डी इज द राइट आंसर मारा शेर है तू शेर है तू शेर है तू शेर है तू जल्दी से मार जीत की हवस नहीं नणा नणा नणा, नणा, नणा। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन चला एकदम टाइम ना देखो सेम क्वेश्चन है थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें सेम कह रहा है ए बी सी डी ई e, परमाणु क्रमांक नौ ग्यारह सत्रह बारह तेरह तत्वों को कौन सा युग में समान समूह से संबंधित है बढ़िया देखो ई नौ है तो नौ है चला तो एफ नौ होता है ग्यारह है तो सोडियम ग्यारह होता है सत्रह है तो क्लोरीन सत्रह होता है बारह है तो मैग्नीशियम बारह होता है आ तेरह है तो चला अल्मोनियम तेरह होता है बाल गंगा इंडियन तिलक ये एक वर्ग का होता है इसमें बोरोन आलमोनियम गैलियम इंडियम तिलक होता है आप बेटा का राम को दो तो चला ई भी एक वर्ग का नहीं है ई भी एक वर्ग का नहीं है फ्लोरीन और क्लोरीन एक वर्ग का है अब जल्दी से मार दो व्हाट इज द आंसर फ्लोरिन यानी नौ और सत्रह नौ और सत्रह नौ और सत्रह नौ है ए सत्रह है तीन नंबर पे सी ए और सी इज द आंसर चिला जी दम है हमारे तो चला पूरा दिन क्लास लिए दर्द कर रहा है लेकिन छोड़ेंगे नहीं जल्दी बताओ जीत की हवस नहीं नड़ण नड़ 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 एक और आंसर पानी पिला दे भाई कोई है तो जल्दी बताइए आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन यही सब चला लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं इसको आधुनिक सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो आठ है युक्त तत्व तो तो आप किस समूह में रखिएगा तो चला दो आठ है तो आठ है आठ है तो चला बाहित कक्षा में आठ हैक्रिया तो गैस है अक्रिया गैस है अक्रिया गैस है तो एट्थ ए में रखेंगे नहीं रहेगा तो अठारह रहेगा ना मार के देंगे सरिया आंसर

एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है किससे संबंधित है जल्दी बता सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है कार्बनिक यौगिक का हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते 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 हैं चला हाइड्रोकार्बन अब जल्दी से बता दो क्या होगा कार्बनिक यौगिक का एकमात्र आवश्यक अवयव है चला हाइड्रोजन हाइड्रोजन किस समूह से एक समूह से आंसर जीत की हवस नहीं आंसर अगला आवर्त दो के तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा कोश बाहितम है तो चला हम बताए थे पहला आवर्त अगर रहेगा पहला आवर्त होगा तो के दूसरा आवर्त होगा तो के और एल और तीसरा आवर्त होगा तो के एल एम और चौथा आवर्त होगा तो के एल एम एन अब चला बताओ तो कौरा दूसरे तत्व तो, आवर्त दो के लिए तत्व तो निम्नलिखित में से कौन सा बाहितम को। बाहितम को सेल होगा, आंसर जल्दी लिख आंसर आंसर, आंसर 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 अगला क्वेश्चन चला पढ़ाएंगे बकवास की तो हमको आता नहीं है जो हम करेंगे चला थोड़ा बहुत गप सप कर लेते हैं न तो गड़बड़ान जाएगा थोड़ा बहुत चला गप सप कर लेते हैं न तो गड़बड़ा जाएगा जल्दी बताइए द आंसर अगला क्वेश्चन जल्दी बताओ चला अगला क्वेश्चन क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है माइस सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक अल्मोनियम के तीन सिलिकॉन के चार अब फॉस्फोरस होता है पंद्रह दो आठ पांच पांच मारेगा ये तोरा हम मार दें मारेगा कि तोरा हम मार दें अरे मारेगा कि तोरा हम मार दें जल्दी बताओ आंसर क्या होगा व्हाट इज आंसर आंसर नहीं बताएगा जल्दी बताओ आंसर क्या होगा मारेगा कि मार नाइट्रोजन पूछा था नाइट्रोजन भी पेंटावेलेंट होता है जल्दी बता आंसर बता चला क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर वेयर इज माई आईफोन अगला का आंसर जल्दी से बता दो चला जी क्या हो जाएगा जीत की हवस नहीं नड़ा नड़ा, 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 नड़ा। अगला क्वेश्चन एकदम एक टाइम व्यतीत करना है और सीधा चलना अगले है अगले क्वेश्चन की चला हमारा में हिम्मत है खड़ा रहने का क्या तेरे में हिम्मत है आओ मिलके इस ग्रुप डी का सर्वनाश करते हैं आ जाओ जल्दी से आंसर क्या हो ओ एफ एन परमाणविक त्रिजियां बढ़ता हुआ सही क्रम आगे माए गए इधर सीधर जाने पर घटता इधर से बढ़ता बढ़िया से देखो बढ़िया से देखो एन का होता है सात ओ का होता है आठ एफ का होता है नौ तो चला सात आठ नौ इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा घटेगा इधर से तो घटेगा आ घटेगा तो सबसे कम फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन

सबसे छोटा होगा फ्लोरीन फिर होगा ऑक्सीजन फिर होगा नाइट्रोजन की मारा ये सब उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है यही चला हाइड्रोजन बंधन भी बनाता है उच्च विद्युत ऋणात्मक है ये ध्यान रखना चला उच्च विद्युत ऋणात्मक है उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व है और यही इसीलिए हाइड्रोजन बंधन का भी निर्माण केवल यही लोग करते हैं हाइड्रोजन बंधन का निर्माण यही लोग करते हैं हाइड्रोजन बंधन का निर्माण यही लोग करते हैं इसीलिए तो एच टू एस और एच सी एल जो है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता एच टू एस और एच सी एल हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता इसीलिए द्रव अवस्था में पाया जाता है हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता क्यों नहीं बनाता क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन जिसमें रहेगा वो बनाएगा इसमें फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है इसलिए ये नहीं बनाता जल्दी से नोट कर लो जल्दी हम हट जाते हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लो हम चला जाते हैं। याद करेंगे आता नहीं है हमको जल्दी से लीख ये चला फ्लोरिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंधन बनाता फोन हम इसको कहते हैं आ इसलिए दोनों में नहीं ना है इसलिए नहीं बनाता जल बनाता है क्योंकि उसमें ओ है चल जल्दी अगला की लिख रहा है रे पिछला क्वेश्चन रॉन्ग है कौन क्वेश्चन रॉन्ग है रे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है कैसे तो रॉन्ग है रे ग्यारह नंबर अरे चोहड़मल अब तुम एनसीआरटी को काट दो तो। तुम लोग तो है, है चोटमल आंसर बताम बैक चुटमल। अगला निम्नलिखित में से किस तत्व की कि परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है चला कैल्शियम होगलो 20 सोडियम होगलो 11 ई होगलो 12 ई होगलो पोटेशियम उन्नाइस अब बेटा मैं देखो क्या है बेटा मैंगो का शरबत राम को दो चला ये इन फार्मूला होता है अब बढ़िया से देख लो ये सब क्वेश्चन आएगा ना तब तो बड़ी गड़बड़ कर देगा चला इधर से इधर जाने पर आपको पता है घटता इधर से इधर जाने पर चला बढ़ता चला देखो क्या है एकदम चला क्वेश्चन है करो रब से फरियाद यहां हो जाएगा बेटा मैंगो का शरबत राम को तो एक बार पढ़िए अब बढ़िया से पढ़ के आप बढ़िया से आंसर मारिए जल्दी बताइए आंसर क्या होगा चला साइंस ऐसा ही कि दिल खुश कर देगा पढ़ने वालों का तत्व का परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है जल्दी बताइए आंसर क्या होगा हम सबका कमेंट देख रहे हैं चला निम्नलिखित में से किसका परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है जल्दी बता चला गौर से अगर तुम देखेगा इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो चला देखो यहां है सोडियम ए पोटेशियम यहां है चला पोटेशियम बढ़िया देख लो सोडियम यहां है मैग्नीशियम यहां है आ पोटेशियम तो कही दिया कैल्शियम यहाँ है तो चला इधर से बढ़ता तो सबसे ज्यादा इसका होगा इधर से घटता तो सबसे कम इसका होगा तो बता सबसे ज्यादा तो इसी का ना होगा रे चलवा सबसे ज्यादा इसी का ना होगा रे चलवा तो मार दो जल्दी से पोटेशियम इज द राइट आंसर पोटेशियम इज द राइट आंसर मेरा चला उमर हो गया है तैयो तो पैर में उतना ताकत है कि तुरा पढ़ा देंगे हाथ में उतनी हिम्मत है कि तुरा पढ़ा देंगे लेकिन चला बढ़िया देखो ये क्वेश्चन मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो ये सबसे ज्यादा उसके बाद मिलेगा नहीं वीडियो इसलिए ध्यान रखना जल्दी जल्दी पढ़ अच्छा लाइव पढ़ने का एक अलग मजा है इसलिए एकदम धाए धाई बताओ आंसर अच्छा लाइव भी रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा टेंशन ना लो रिवीजन कर लेना और उपाय तो बताते हैं रिवीजन करने का इधर से बढ़ता इधर जाने पर घटता तो सबसे इसी के इस एरिया में जो होगा वो सबसे ज्यादा इस एरिया में जो होगा चला इस एरिया में वो सबसे कम अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन नंबर चौदह निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा आय हाय खोएगा हो जल्दी से बताइए तो क्या खो देगा चौदह नंबर का आंसर बताओ नौ नंबर क्वेश्चन चेक कर लें अच्छा चेक कर लेंगे ए कहना है नौ नंबर भाई नौ नंबर कहना है चेक कर लें कार्मिक तो का आवश्यक अवयव अव? एक तत्व जो सभी कार्मिक तो का आवश्यक अवयव अव? है क्या समस्या ठीक तो है अच्छा चलो कोई बात नहीं देख लेंगे देख लेंगे इसको भी सही है चला अच्छा आंसर एक आध जगह चला जो तुम किताब लेते हो ना डुप्लीकेटो किताब है इट में भी हम वैसे देख लेंगे इसको आंसर कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा चला बता सबसे आसानी से कौन खो देगा सबसे अधिक रिएक्टिव होता है चला हथेलिए पर हथेलिए पर हथेली पर आसानी से चला खो देगा आंसर हो जाएगा पोटेशियम आंसर हो जाएगा चला पोटेशियम सबसे आसानी से खो देगा हथेलिए पर चला पिघल जाता पोटेशियम गैलियम अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है जल्दी बता चला क्या होगा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है नौ नंबर क्वेश्चन क्या है एक तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है और संबंधित है समूह पंद्रह चौदह अच्छा अच्छा चला क्वेश्चन है एक तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक अवयव है और संबंधित है चला इसका आंसर जो होगा यही क्वेश्चन है इसका आंसर कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव जो होगा वो समूह चौदह का है समूह चौदह इज द राइट आंसर इसको एक बार करेक्शन कर लेना चला समूह चौदह होगा क्योंकि चला चौदह जो है वो कार्बनिक कंपाउंड है चौदह कंप्लीट कार्बनिक कंपाउंड है इसलिए ये आंसर होगा यही अगर क्वेश्चन देता कार्बनिक यौगिक के साथ कौन रहता है तब ये हो जाता हाइड्रोकार्बन होता है चला कार्बनिक यौगिक के साथ कार्बनिक यौगिक के साथ कौन रहता तब तो यह आंसर हो जाता कार्बनिक यौगिक यो, के साथ कौन रहता तब तो यह आंसर हो जाता चला अगला आवश्यक कह देगा तब चौदह मार देंगे चला क्योंकि उसी का है अगला वेरी गुड चलो आसान बताओ जल्दी से कौन सा आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा चला जल्दी से बता दो आंसर तत्व तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं, तो नहीं खोता जल्दी बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज द आंसर चला आंसर हो जाएगा फ्लोरिन चला क्योंकि फ्लोरिन खोता नहीं है फ्लोरिन नौ होता है एफ नौ होता है दो सात होता है इचला ग्रहण करता है क्योंकि इसके बाहितम कक्षा में जो है सात इलेक्ट्रॉन है इसके बाहितम कक्षा में सात इलेक्ट्रॉन इसके बाहितम कक्षा में तीन है तो त्याग कर देगा क्योंकि एक दो तीन त्याग करता है सोडियम चला बाहितम कक्षा में एक है त्याग कर देगा अब मैग्नीशियम चला बाहितम कक्षा में दो है ये भी त्याग कर देगा और चला एकर बाहितम कक्षा में कितना है सात है ये त्याग नहीं करेगा मेरी जान ग्रहण करेगा आंसर जल्दी बता दो आंसर क्या होगा इज द आंसर इचला फ्लोरीन के बाइटम कक्ष पांच छह सात होता है चला ग्रहण न करता है क्योंकि वो अधातु है अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चला ये रहा आप जल्दी से बता दीजिए आंसर ई क्वेश्चन जब बना देगा समझ लो एकदम मर्द है वो एकदम ओरिजिनल वाला होकर ब्याह करवाएंगे जल्दी से बता दो चला अगर ये क्वेश्चन तू बता दिया तो हम समझ जाएंगे चला कि तू एकदम सॉलिड बंदा है और तू एकदम सही तैयारी करता है तत्व के समस्थानिक समस्थानिक बोले तो कार्बन छ बारह कार्बन छ चौदह अब जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा समस्थानिक के परमाणु भार समान होते हैं चला एगो के बारह एगो के चौदह होता है तो गलत है अब चला कहता है एक तत्व के समस्थानिक के परमाणु क्रमांक समान होते हैं एकदम सही है जल्दी बताइए तो पढ़ के आंसर क्या हो जाएगा एक तत्व के समस्थानी के भौतिक गुण भौतिक गुण चला पर निर्भर करता है, है यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है तो गलत तत्व पर निर्भर करता है कितना बार बोले हैं तत्व पर निर्भर करता है तत्व पर निर्भर करता है तत्व दोनों का समान है समान हो जाएगा आंसर बताओ क्या हो जाएगा दो एंड चार राइट आंसर मारो रे चलवा चला अगर भगवान से मनाओगी दस क्वेश्चन पकड़ा जाए पंद्रह सोलह घंटा का क्लास है अब दस क्वेश्चन पकड़ा जाए तो की हाल होगा एग्जाम पकड़ के सरिया देगा तू जल्दी बता आंसर अगला 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 क्वेश्चन ये देखो ये एद जुगाड़ से बनेगा अगला क्वेश्चन जल्दी से बता दो चला जुगाड़ से बन जाएगा जल्दी से बता दो की हो जाएगा आंसर कहता है निम्नलिखित तत्वों में उनके धात्विक गुणों के घटते हुए हमेशा ध्यान रखिएगा धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में सोडियम है चला सोडियम क्या है ग्यारह है उसके बाद मैग्नीशियम है ध्यान से देखना चला सोडियम एगारह है फिर देखो कौन है तुम्हारे में मैग्नीशियम बारह है देखो एकदम आराम से आ उसके बाद चला मैग्नीशियम के बाद अलमुनियम है तुम्हारा तेरह सिलिकॉन है तुम्हारा चौदह और क्लोरीन है तुम्हारा सत्रह कहता है धात्विक गुणों के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए तो आपको पता है ये आवर सारणी में ऐसे है ऐसे है तो इधर धातु है आ इधर अधातु है ये जान लीजिए चला इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण जो होता है धात्विक गुण धात्विक गुण जो होता है चिला घटता आ इधर से इधर जब आइएगा तो बढ़ता इधर से इधर जब जाइएगा ना जानू हमार इधर से इधर, इधर जब जाइएगा ना इधर से इधर जब जाइएगा ना तो बढ़ता अब चला देख लो इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण घटता इधर से इधर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता अब चला बढ़िया से देखो सोडियम धात्विक गुण घट रहा है तो सबसे अधिक सोडियम उससे कम मैग्नीशियम उससे कम अल्मोनियम फिर सिलिकॉन फिर क्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम सिलिकॉन क्लोरीन आंसर बता जल्दी बता आंसर क्या होगा वट इज आंसर देखो कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है चला धात्विक गुण जो है धात्विक गुण इधर से इधर जाने पर घटता इधर से इधर जाने पर बढ़ता तो चला इधर से इधर दे रहा है देखो रेगुलर दिया है regular. लेकिन है रेगुलर अब बढ़िया देखो ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह तक होगा अठारह तक होगा चला तो देख लो बढ़िया से इधर से इधर जाने पर घटता तो घटता है चला आवर्त में धात्विक गुण घटता चुकी इधर धातु इधर और धातु इधर से इधर जाने पर बढ़ता है जीत की हवस नहीं नणा आंसर कहाँ है मेरा मोबाइल जी जल्दी बताओ चला आंसर क्या होगा आंसर मार दिया एक मिनट चला जी मेरा मोबाइल बाकी किधर बाबू जी को फोन कर मैसेज कर देते हैं कि अभी नहीं आएंगे जल्दी से बताओ अगला ए चिला जी हम में तो हिम्मत है हमने हिम्मत दिखा दी है अगर तू हिम्मत करेगा चिला तो तुहर हम बेड़ा पार कर देंगे अब जल्दी से बता दो आंसर क्या होगा चिला ऑप्शन अधूरा है निम्नलिखित तत्वों में उनके गुण उनके बढ़ते हुए क्रम में सजाना है चिला बढ़ते हुए क्रम में सजाना ये क्वेश्चन अधूरा है ये क्वेश्चन जो पूरा टाइप नहीं किया है इसीलिए मामला थोड़ा सा गड़बड़ है कोई बात नहीं क्वेश्चन हम अलग से करवा देंगे अठारह नंबर को अलग से करवा देंगे इक्का एलुमिनियम आया 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 इक्का एलुमिनियम होता चला Al2O3 Al2O3 जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इक्का एलुमिनियम Al2O3 तो जल्दी से बताओ क्या होगा E2O3 हो जाएगा आंसर नया टाइप का क्वेश्चन है एक बार देख लो बढ़िया से इका एलुमिनियम Al2O3 E2O3 इज द राइट right आंसर अगला पता चला बोरोन सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है उपधातु है नहीं जानता है क्या चला ध्यान रखना एक चीज एकदम बढ़िया से आवर्त किस आवर्त में कौन है दूसरा आवर्त में चला बोरोन अकेले है ध्यान रखना दूसरा आवर्त में बोरोन अकेले है तीसरा आवर्त में सिलिकॉन है उपधातु बोल रहे हैं चला उपधातु चौथा आवर्त में आइएगा चला कौन कौन है जल्दी बता गैलियम या गैलियम या आँगा आँगा। आप कह सकते हैं जर्मेनियम और आर्सेनिक जर्मेनियम और आर्सेनिक आप पांचवा आवर्त में कौन है जल्दी बता पांचवा आवर्त में एंटीमनी और टेल्यूरमीन आ छठा आवर्त में चला पोलिनियम अंतिम हो जाएगा पोलिनियम का तो इसकी संख्या कितनी है चला इसकी संख्या है सात आ कभी कभी चला ये सात पहला ऑप्शन होगा आ दूसरा ऑप्शन हो जाएगा छ कि ध्यान रखना चला दूसरा ऑप्शन जो होगा वो छ हो जाएगा किसमें कौन है चला ये भी आप ध्यान रख लीजिए जल्दी से बताइए बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है आंसर जल्दी बता चला आंसर क्या होगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे चला हिम्मत है ना तू तो टेंशन न ले आग का दरिया भी पार कर जाएंगे हिम्मत है तो आग का दरिया भी पार कर जाएंगे मेरे मित्र एकदम टेंशन न ले तू बस तुरा में हिम्मत होना चाहिए बाकी पार करवाने का टेंशन मेरा निम्नलिखित में से कौन सा तो अम्लिया ऑक्साइड बनाता है परमाणु क्रमांक सात है तो सात है चला नाइट्रोजन नाइट्रोजन है आ तीन है तो लिथियम है बढ़िया देखो परमाणु क्रमांक बारह है तो बारह एम मैग्नीशियम है उन्नीस है तो उन्नीस है चला तो पोटासियम है आपको पता है चला मैग्नीशियम क्या बनाएगा बनाएगा नाइट्रोजन क्या, क्या, क्या बनाएगा चला एच एन ओ थ्री बनाएगा और एच एन ओ थ्री अभी तुरंत बताए थे हाइड्रोजन गैस नहीं देता है अम्ल से जल से अभी क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है एकदम ध्यान रखना ही क्वेश्चन पीछे था अभी रिपीट कर दिए हम आंसर बताओ तो कौन यही ना अमल है सब छारे हैं में से कौन सा तत्व तो हम कितना बार बोले थे चला एनओ टू एन टू ओ एसओ टू एसओ थ्री सीओ टू सब अम्लीय है बाकी सब छारिय है आंसर बता दो क्या होगा थोड़ा सा चला क्वेश्चन इधर उधर करेगा ना एकदम टेंशन नहीं लेना हम लोग किसी को नहीं छोड़ने वाले जीत की हवस नहीं नणा 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 जल्दी बता चला आंसर बस चला छब्बीस को तो क्वेश्चन है इसमें हम लोग पे पहुंच गए हैं। टेंशन लेने का नहीं देने का हम लोग छोड़ेगा ना जल्दी बता परमाणु क्रमांक चौदह वाला था तो कठोर है परमाणु क्रमांक पहले चौदह वाला था तो है पहले एक रात खोज लो सिलिकॉन है ऑक्साइड एवं एक बनाता है यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग में संबंधित है जल्दी बताओ अब हमने बताएंगे जल्दी बताएगा हम तो तक कमेंट देख लेते हैं चलवा के जल्दी से बता दो अभी तुरंत बताए थे हम सिलिकॉन जर्मेनियम बोरॉन आर्सेनिकमिन एंटीमनी पोलिनियम ये सब क्या है उपधातु है चला मार् दो तो और रहता था अर्ध चालक मार देते क्वेश्चन में की है खाली पूछ रहा है सिलिकॉन क्या है क्वेश्चन कहता है परमाणु क्रमांक चौदह वाला तत्व तो कठोर है तथा अम्लीय ऑक्साइड एवं स्वसंयोजक हेलाइट बनाता है बनाने दो यह तत्व तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में मतलब सिलिकॉन जो है किस वर्ग में तो सिलिकॉन चला कौन सा वर्ग है उपधातु है ये अभी तुरंत पढ़ाई तक चला जल्दी से मार दो आंसर अगला क्वेश्चन ना चलवा सब फिगर देखेगा तब ना बनाएगा बताओ चला आंसर क्या होगा जल्दी बताओ चला आंसर क्या होगा वट इज आंसर जल्दी बताओ आंसर क्या होगा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको ओए इधर आओ ए। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं चला। ये क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है परमाणु त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन है चला दो, दो परमाणु त्रिज्या का सही प्रदर्शन है देखो ये परमाणु त्रिज्या नहीं ये नाभिक की त्रिज्या है तो नाभिक अंदर में दिया है ये इसलिए नाभिक की त्रिज्या है ये और ये सही प्रदर्शन देखो ये क्या किया है चिला परमा हम तुरा तो बता देते हैं तो क्वेश्चन तुरा तो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं ये परमाणु है ना चला ये नाभिक है ध्यान दो ना हम तुरा तो बता देते हैं टेंशन लेगा हमारे चलवा हमारे चलवा टेंशन देगा देखो ये नाभिक है आपको भी पता है ये नाभिक है और ये चिला परमाणु का ये कक्षा है कक्षा है तो जब भी तिरजिया नापेंगे ना यहां से यहां तक ऐसे नापेंगे या यहां से यहां तक ऐसे नापेंगे ये इसका कहना है आ इसका कहना है कि ये जो तिरजिया होगा तो हम दूसरा कलर से नाप देते हैं कहता ये तिरजिया है तो चला ये तिरजिया गलत है फिर कहता ये ऐसे नापेंगे तिरजिया को तो चला ये त्रिजिया भी गलत है नाभिक से जो यहां तक का कक्षा के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा यही त्रिज्या होगा ये सही है ये चला सही नाप है और ये चला सही नाप है ये दोनों के बीच नाप लेंगे त्रिज्या हो जाएगा आई तो ये नापेंगे तो ये नाभिक है ये नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या थोड़े है ये ये नाभिक की त्रिज्या है यही क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो जल्दी से नोट कर लीजिए चला जी अब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से आप नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे देखिए त्रिज्या जब भी नापेंगे चला यहाँ से नापेंगे नाभिक के केंद्र से यहां तक नाभिक ये त्रिज्या नापने का तरीका नहीं ये भी नहीं है ये इसलिए नहीं है क्योंकि नाभिक की त्रिज्या, परमाणु की त्रिज्या नापने का ये तरीका नहीं है अगला 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 जल्दी से बता दीजिए चला जी अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं ये आपको दिख नहीं रहा है इसका आंसर जो हो जाएगा हमको दिख रहा चला ये वो ये, हो जाएगा, ये वो ये हो जाएगा यानी दो और तीन हो जाएगा दो और तीन हो जाएगा आपके पास पीडीएफ है पीडीएफ डाल दिया गया पीडीएफ डाल दिए हो पीडीएफ डाल दिया, डाल दिया उसको देख लेगा चला आवर सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में, में से क्या नहीं बढ़ता है चला रे आवर सारणी में एक समूह में इधर से इधर जाने पर क्या नहीं बढ़ता क्या नहीं बढ़ता जल्दी बता धात्विक गुण दर जाने पर घटता है दर जाने पर बढ़ता एकदम सही है यह आंसर नहीं होगा परमाणु त्रिज्या जो है चला इधर से इधर जाने पर घटता इधर से इधर आने पर बढ़ता यह भी नहीं होगा संयोजकता चला समान रहता है रे यही तो आंसर होगा एक खोज रहे थे हम एक तत्वों के कोषों की संख्या एकदम बढ़ जाएगी पहला आवर्त होगा तो के कोष हो जाएगा दूसरा आवर्त होगा तो के और एल हो जाएगा तीसरा वर्थ होगा तो के एल और एम हो जाएगा तो कोसों की संख्या बढ़ जाएगी संयोजकता समान रहेगी आंसर 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 सीधी बात नो बकवास सिर्फ पढ़ाई बाकी कुछ नहीं चला अगला बता आई चला देखो ये दो गो बातों तुरा पता चल गया तीन गो बात एक दो तीन बात कि परमाणु त्रिज्या इधर से इधर जाने पर चला पढ़ता है तुमको पता है वर्ग में धात्विक लक्षण भी बढ़ता है क्योंकि इधर जाने पर धात्विक लक्षण घटता है आकोसों की संख्या तो होवे करता है चला अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बता आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यता परमाणु का आकार चला आवर्त सारणी पूरा एनसीआरडी खत्म दसवा के आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं इधर से इधर जाने पर परमाणु का आकार सब बता जल्दी बता नहीं बताएगा तो मार देंगे आकार त्रिज्या और आयतन घटता है अपन टाइम नहीं देंगे क्योंकि हमारे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है जल्दी बता चला आपको पता है धात्विक गुण जो है इधर इधर से जाने चला धात्विक गुण की बात करते हैं धात्विक गुण की बात करते हैं है। इधर से इधर जाने पर घटता और इधर से इधर आने पर बढ़ता अब चला जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा जल्दी बताइए थोड़ा सा की कीजिएगा तब आंसर मिलेगा थोड़ा सा चला सोचना है थोड़ा सा सोचिएगा आपको आंसर मिल जाएगा जल्दी बताइए गौर से देखिए चला इधर से इधर बढ़ते क्रम में तो आपको देखिए बेटा मैंगो का तो बढ़ते क्रम में चला बढ़ता तो पहले बेई बी तब एमजी तब सी यही तो पहले ऑप्शन से मिल गया आंसर आ इधर होता तो हेलिना करो रब से फरियाद तो चला पहले लिथियम होता फिर सोडियम फिर पोटेशियम ऐसा तो है नहीं पहले सोडियम दे दिया है ये नहीं होगा ये तो एकदम नहीं होगा एम एम जी एल तो कोई कर्मे के नहीं है आंसर ए फॉर एप्पल ए चला रे मेहनत करने में खूब पढ़ता है तुम लोग कोटेशन मेहनत करने वालों की हार नहीं होती बिना तेरे नैया पार नहीं होती तो मेहनत करो ना पीछे का हटता रे कायर एक एक बूंद जितना पसीना चल रहा है चला एसी ने चल रहा है पसीना चाहे चल रहा है हम लोग मिल के मेहनत करेंगे रे चला डरेंगे किसी के बाप से नहीं जो किताब से पढ़ा, पढ़ाने का होगा उस किताब से पढ़ा के पढ़ा देंगे चलवा को अभी 20 परसेंट की परीक्षा हुआ अस्सी परसेंट है ले हो गलो पीरियोडिक टेबल खत्म दसवा के पीरियोडिक टेबल इज खत्म ठीक है आओते सर चैप्टर में तोरा शायद हिम्मत में तोहर कमी हो गया होगा तुहर तो जवानी हो सकता है ठंडा हो गया होगा लेकिन नहीं हुआ है नहीं हुआ है तो ना पूरा गड़ले है इस बार छोड़ेगा नहीं ना रे हम जान रहे हैं हमारे चलवा इस बार छोड़ेगा नहीं बता की पढ़ेगा एंड कार्बन कंपाउंड लाइट पढ़ेगा हे लेकर हे ले, ले, हे देखो चला एक बड़ी बोलबाला है माँ कसम अभी एक दिन चल रहा है कोई बात नहीं मैं चलवा को डराता है चलवा को डराएगा नहीं देखिए रोशन सर हमारे लिए जूस लेकर आए हैं आए वो आप लोग हैं कि चला हिम्मत हार देते हैं दूगो चैप्टर खत्म कर दिए देखिए रोशन सर हमारे लिए जूस लेके आए हैं रोशन सर भी मैराथन लेने वाले हैं आंसर, जल्दी बता जल्दी बता चला आंसर क्या होगा वॉट इज आंसर किसी के बाप से नहीं डरेंगे तेसर चैप्टर आपके सामने बोर्ड पर है मजाक मजाक चल रहा की रे, आए, मजाक चल आए फलना किताब से पूछा है चिलना किताब जगरा से पूछा है को छोड़ेंगे तब ना आ किताब किताब तो चला हमारे लिए दो चार दिन के बात है दो तीन दिन पढ़ाएंगे तो दो दिन पढ़ाएंगे तो कर देंगे तीन दिन में

ये एक बिंदु स्रोत के समानांतर देखो ये बिंदु स्रोत से निकलता है और समानांतर किरने आती है सेम है उत्तल दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये बिंदु स्रोत है ये बिंदु स्रोत मतलब एक जगह केंद्रित होता है मेनली चला ये एक जगह केंद्रित होता है तो हो होगलो चला अवतल दर्पण हो होगलो चला उत्तल लेंस यही दोनों में ना होता है अब बाद में बिखरा देता है करंट बिंदु स्रोत पर आने का कोई बातें नहीं जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा व्हाट इज द आंसर अवतल दर्पण उत्तल लेंस अवतल दर्पण उत्तल लेंस बिंदु जब ये कॉडियन चला एक बिंदु पर केंद्रीकरण यही दोनों का होता है एक बिंदु पर केंद्रीकरण यही दोनों का होता है अब देखो अब चला बता हम लोग इतना मेहनत करके पढ़ते हैं लड़का कहता है कि रात हो गया चलो सोने हाँ रे तू सुगा क्योंकि तो बाप के एटीएम तुम्हारे तो जेब में है तू सोएगा लेकिन हमारे चलवा नहीं सोएगा चलवा नहीं सोएगा आंसर बता अगला अगला क्या आंसर बता चला कहते हैं दस एम एम लंबी एक सुई को किसी अवतल दर्पण के सामने

हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप भी आराम से सोइए कोई दिक्कत नहीं आपको भी पढ़ाना है आप भी पढ़ाइए एक बार चला हम लोग हम आंख बंद कर लेते हैं तीन गिनते हैं तुम लोग अंधुन जो ताकि वो भाग जाए जल्दी बताओ दस एम लंबी एक सुई है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया अब तल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी गई है इस सु का पांच एम एम लंबा प्रतिबिंब बनता है यानी हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू फाइव एम एम तीस सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है प्रतिबिंब दर्पण के सामने तीस सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है का मान दर्पण के सामने बन रहा है अवतल दर्पण इधर सामने बन रहा माइनस तीस सेंटीमीटर तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी कैसे बनी कैसे बनी कैसे बनी हो राजा कैसे बनी जल्दी से बता चला देखो कुछ नहीं है आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस ऑफ भी बाई यू बराबर हाइट ऑफ द इमेज बट हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अब, अब यहां से चला पुट कर दो माइनस ऑफ माइनस ऑफ भी मान दिया हुआ है माइनस तीस बटाइमान यू का मान किधर है का मान निकालना है क्योंकि हमको चला दर्पण की फोकस दूरी चाहिए तो तो चाहिए हमको फॉर्मूला पता है यू ए तो तो खाली दिया हुआ यही है यही दो तीन गो ऑब्जेक्टिव है ऐसा दो तीन गो ऑब्जेक्टिव है ऐसा तीस चालीस गो रिएक्शन है बस उतने तोरा तोराक है बाद बाकी कुछ नहीं है तोरा लिए अब यहाँ से चला हाइट ऑफ द इमेज दिया हुआ है हाइट ऑफ द इमेज पांच है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दस है पांच दुनी दस है तीस दूनी साठ है यहाँ से चला यू बराबर हो गए यहाँ से साठ आएगा लेकिन चला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये माइनस साठ हो जाएगा माइनस साठ सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से लगाएंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होता है 1 भी, भी हो जाएगा, चला यहाँ से माइनस तीस आप प्लस वन बाय माइनस साठ सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा यही सब क्वेश्चन चला आ रहा है जो मार्केट में पूरा हल्ला में चले कुत्ता भोंकता है भोंकने दीजिए एकदम दीजिए तीन गो फ्लेवर रख ले ग्लूकोन डी अलग है पानी अलग है वाला जूस अलग है जल्दी लिख देखो फिर से समझाते आवर्धन क्षमता वाला क्वेश्चन जो है ना पूरा हाहाकार मचेले जल्दी देखो मैं प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई यहाँ से चला अभी रोशन सर रात भर चला कंटेंट बनाएंगे और परसों शायद वो क्वेश्चन लेने वाले हैं एक शेड्यूल जल्दी बताइए चला जी आंसर क्या होगा व्हाट इज आंसर निकाल लिए कितना आया रे जान हमार देखो कितना आया माइनस बीस सेंटीमीटर आया क्या आ जाएगा देख लो तुम लोग तो गुना भाग करने में एकदम एक्सपर्ट हो गया है चला मेरा शेर एकदम नहीं डरेगा निम्नलिखित नहीं तो में से किस स्थिति में कोई अवतल छोड़ दे का कहेगा तो क्लास छोड़ देंगे कितने लोग कह रहे हैं कि चला एकदम खदम कीजिए और कितने लोग कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए सुतेंगे जल्दी से टाइप करो खतम पूरे पढ़ाइए सर सरिया दीजिए एक नए पढ़ाइए सर सुतने जा रहे हैं खाना खाने जा रहे हैं शॉर्ट्स देखने जा रहे हैं इंस्टाग्राम देखने जा रहे हैं दो जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर तीन आंसर बता कतर निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण का बिंब पड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा जल्दी बताओ चला जब बिंब दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच में होगा चला ये देखो यही ना अवतल दर्पण है अवतल दर्पण में तुमको पता है ये पोल है और ये चला फोकस है ये सेंटर है ये अनंत है जल्दी से बताओ क्या होगा आंसर जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच रहेगा चला यहाँ सेंटर पे रहेगा सेंटर पे बनेगा जैसे इधर जाएगा चला इधर आ जाएगा। जैसे चला इधर जाएगा ध्यान देना जैसे ही चला इधर जाएगा ये प्रतिबिंब इधर बनेगा इधर बनेगा और बड़ा बनेगा तो यानी सी और एफ के बीच बनेगा यानी है? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता के बीच रहेगा तब बड़ा बनेगा या फोकस पर रहेगा तो फोकस तो ऑप्शन में नहीं है एफ और पी के बीच रहेगा वो ऑप्शन में नहीं है आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट सी फॉर कैट इज द राइट आंसर अगला जल्दी जल्दी तुम चला तुम बनाओ हे देखो ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है तो चला इसको हम बड़ा कर देते हैं नहीं दिख रहा है चलवा का तो बड़ा करते हैं बड़ा होने रहा है हम चित्र बना देते हैं अपने से क्वेश्चन पूछा है डायरेक्ट चला वैल्यू भी चेंज नहीं किया है वैल्यू भी चेंज नहीं किया है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है चला यही तेरा अग्निपथ है इसी पर तुमको चलना है अग्निपथ 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 और चला ये ऐसे चल गया है ये तीस डिग्री दिया है ये क्वेश्चन में साठ डिग्री दिया है ये पैंतालीस डिग्री दिया है और ये चला पैंतालीस डिग्री दिया है तो चला आपको पता है आपतन आप कोण जो बनता है आई आपतन कोण जो बनता है चला वो अभिलंब से बनता है तो ये चला अभिलंब से जो कोण बनेगा वो अपवर्तन कोण हो गया और ये आपतन कोण हो गया नहीं इधर से जा रहा है चला उल्टा है देख लो इधर से जा रहा है बढ़िया से देख लो चला इधर से जा रहा है और इधर निकल रहा है तो चला आपतन कोण आई का मान हो गया तीस डिग्री आई का मान हो गया तीस डिग्री और आर का मान हो गया चला पैंतालीस डिग्री देख लो ये तीस न है तो चला अभिलंब से कौन बनता है देख लेना ये अभिलंब न है अभिलंब से कौन बनता है ध्यान रखना चला गड़बड़ हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा अभिलंब से कौन बनता है अभिलंब से कौन 60 हो गया तो इधर से जा रहा है तो i का मान 60 हो गया और r का मान ये हो गया चला पैंतालीस हमको कह रहा है कि एक के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा तो म्यू का मान पता है आपको अपवर्तनांक आप बोले तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर साइन आई करिएगा तो साइन ऑफ साइन ऑफ कितना डिग्री आई बोले तो साठ पैतालीस कहां रूट टू आप बटर टू इसको रूट टू रूट टू लिख सकते हैं इसलिए ये हो जाएगा रूट थ्री अब बट्टा रूट टू आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा देख लो कहा है रूट थ्री बटा रूट टू इज डिजिट भी इसका चला चेंज नहीं किया है क्वेश्चन जल्दी से लिख लो चला हमेशा ध्यान रखना अभिलंब से जो कोण बनेगा ना ये जो अभिलंब से ये जो कोण बनेगा ये आर है ये जो कोण बनेगा ये चला आई आ, ये चला आई नहीं ये तो आई हो गया ये चला आ, आ, ये इधर से जा रहा है ना ये आपतन कोण हो गया और ये चला अपवर्तन कोण हो गया लेकिन ये कोण होगा ये ये कौन नहीं होगा ये 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 इससे बनेगा ये इससे बनेगा लाइट पूरा धमाल मचेले लाइट चला धमाल मचेले आंसर एरो पे क्लिक कर दो पीडीएफ कहां मिलेगा पीडीएफ का लिंक डाल दो रे पीडीएफ का लिंक डाल दो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा चला जी अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन देखो चलाई बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछा है देखो ये चला फिगर अगर नहीं दिख रहा है तो एक छोटे हम कर देते हैं चला हम तुरा फिगर बना के देते हैं बढ़िया देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है चला देखो ये क्वेश्चन मतलब एकदम सॉलिड एकदम सॉलिड कॉन्सेप्ट है बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये रहा ये रहा अब चला माध्यम ए है ये माध्यम ए है आ ये चला माध्यम बी है है ना? आ ये ऐसे गया है देखो बढ़िया से ई ऐसे गया है इसको जाना चाहिए ऐसे आई मुड़ गया है ऐसे इसका मतलब चला ये अभिलंब की ओर मुड़ा है इसका मतलब ये सघन माध्यम है और ये चिला जो है ये विरल माध्यम है अब क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन कहता है चित्र इतना में दर्शाए गए ए और बी में प्रवेश करता है ए से बी में प्रवेश करता है माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा जल्दी बता माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या होगा बड़ी आंसर जल्दी से बता दीजिए कम होगा कि ज्यादा होगा इचला जब ये सघन में गया है माध्यम एक बी का अपवर्तना बी माध्यम एक बी का बी सघन है सघन है चला तो क्या हो जाएगा बताइए एक से अधिक हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा आंसर सघन है तो एक से अधिक हो जाएगा सघन होगी विरल हो चला इस सघन होगी विरल हो ये हमेशा ध्यान रखिएगा अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है ये थोड़ा टहला दिया क्वेश्चन अपवर्तनांक का मान एक से अधिक होता है हमेशा इसलिए जब यह अपवर्तनांक पूछा एक से अधिक होगा घर्षण गुणांक जीरो से एक के बीच होता है घर्षण गुणांक जीरो से एक के बीच होता है बहुत बार पढ़े होंगे चला जी आप जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा आंसर चला इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे आंसर बता जल्दी से व्हाट इज आंसर अगर आप लोग पढ़िएगा तो नहीं पढ़िएगा जब कहिएगा तब छोड़ देंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आजा मोरे राजा क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है चला रहे क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है देखो कथा दस पॉइंट तीन में दर्शाए गए कुंज किसी बॉक्स ए तथा बी से आपतित होकर ए और बी है यहां से आपित होकर सी और डी से निकलता यहां चला ए है यहां बी है यहां सी है यहां डी है ए और बी में घुस रहा है और सी और डी से निकल रहा है बॉक्स भीतर निम्नलिखित में से क्या होगा चला समझ लो कि अगर लेंस होता तो लेंस होता तो इसको मोड़ देता दर्पण होता चला लेंस होता कोई भी लेंस होता इसको चला मोड़ देता लेकिन मोड़ा नहीं है सीधा निकल गया है अगर दर्पण भी होता न चला दर्पण भी होता ना तो इसको मोड़ देता कोई भी दर्पण होता ना चला कोई भी दर्पण होता नहीं चला तो इसको मोड़ देता लेकिन चला अगर आयताकार स्लैब का था कांच का एक आयताकार स्लैब होगा तो खाली पार होने देगा इसलिए सीधे निकल गया देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये सीधा निकला है चला तुमको दिख रहा होगा फिगर दिख रहा है कि नहीं देखो कुछ नहीं है एगो लाइन यहाँ है फिर एगो लाइन यहाँ है एगो लाइन यहाँ है एगो लाइन यहाँ है एगो लाइन यहाँ है एगो लाइन यहाँ लाइन यहाँ है एगो लाइन यहाँ है ऐसे सीधे निकल गया कोई मुड़ाव नहीं है इसका मतलब कांच का एक आयताकार स्लैब है क्योंकि लेंस और दर्पण या प्रिज्म भी होता ना चला प्रिज्म भी होता तब भी ये मोड़ देता प्रिज्म भी होता ना चला तब भी ये मोड़ देता प्रिज्म भी होता चला तब भी ये मोड़ देता सीधे निकल गया निकल गया मतलब कांच का एक टुकड़ा है सीधे निकल गया मतलब कांच का एक टुकड़ा है अगला अगला आए हाय हाय देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया चला यही सब क्वेश्चन दे रहा है तो लड़का का को किया रहा है लेकिन थ्योरी तो वही है चला थ्योरी वही है एको लाइन के थ्योरी है ना होने नहीं जाएगा देखो कुछ है नहीं है क्वेश्चन में जल्दी से बता क्या होगा आंसर चला कहता है मैं दर्शाए अनुसार कोई किरण पुंज बॉक्स के फलक ए के छिद्र ये ऐसे ऐसे किरण जा रहा है ये ऐसे ऐसे किरण जा रहा है और ऐसे ऐसे छिटक रहा है बाप रे बाप छिटक रहा कोई बात नहीं कहते हैं चला एक दो तीन जो है वो ऐसे जा रहा है और ऐसे मुड़ रहा है चला देखो क्या है ना एक यहाँ है तो एक यहाँ है ध्यान से देखना बढ़िया से देखना एक यहां है तो एक यहाँ है कता तो है होकर बी के चित्रों से बाहर निकलता है इस बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है तो चला इस बॉक्स के भीतर उत्तल लेंस अगर होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा तब नहीं ये ऐसे मोड़ दिया होगा ये ऐसे जा रहा होगा चला तब नहीं ये ऐसे मोड़ दिया होगा ये ऐसे जा रहा होगा तब नहीं ये ऐसे मोड़ दिया होगा इसके भीतर चला उत्तल लेंस रहा होगा ये हमेशा ध्यान रखना चला ये अगर ऐसा है इस बॉक्स के भीतर अगर उत्तल लेंस हम देंगे ऐसा किरण जाएगा तो ऐसे मोड़ देगा यहाँ दिया है एक नंबर यहाँ दिया है एक नंबर अब चला ध्यान देना ग्यारह नंबर यहाँ अगर ये ऐसे जाएगा तो ये ऐसे मोड़ देगा ग्यारह नंबर यहाँ ग्यारह नंबर यहाँ अगर ऐसे मुड़ रहा है इसका मतलब चला कौन लेंस? इसके भीतर जो लेंस है वो कौन लेंस है उत्तल ये चला सबके बस की बात नहीं है इसको बढ़िया समझना होगा और अगर इस आयताकार ब्लॉक में चला अवतल लेंस होता अगर आयताकार ब्लॉक में चला अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस अगर ये ऐसे जाता ना तो ऐसे जाता ऐसे जाता ना तो ऐसे जाता यानी एक नंबर होता तो एक नंबर होता ये दो नंबर होता तो नंबर होता अगर ऐसा दिया रहता जिसका मतलब इसके अंदर चला जो लेंस है वो अब तल लेंस है अगर कांच रहेगा अगर कांच रहेगा चला कांच का टुकड़ा रहेगा देखो ये दोनों क्वेश्चन पूछा हम तीनों बता देते हैं कांच रहेगा चला तो हल्का सा डेविएट होके फिर सीधे निकल जाएगा ऐसा जल्दी से लिख लो इचला इससे मुड़ा यहां एक यहां एक होगा इसमें वही दिया हुआ है आप पीडीएफ में देख लीजिए यहां एगारह यहां एगारह रहेगा यहां देखिए ये यह एक है तो यह इससे चल जाएगा तो इधर एक होगा ये दो ये क्रॉस नहीं करेगा क्रॉस करने का काम इसमें करेगा और इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होकर निकल जाएगा सीधे ये पिछला क्वेश्चन था जल्दी से लिख लो सर पीडीएफ प्लीज पीडीएफ कल से मिल जाएगा चला अभी पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया गया पीडीएफ ऑलरेडी मेरी जान मोहब्बत डाल दिया गया जल्दी मार क्रॉस कर लेगा चला तो देख लो उत्तल है अगर फैला देगा ऐसे भी हम लोग जानते हैं एक जगह केंद्रित करने का काम उत्तल करता है अगर मान लो ये क्वेश्चन चला इसे भी तुम बनाता तो तुमको नहीं पता है क्या केंद्रित करने का काम उत्तल करता है तो उत्तल मार देता आई ये इसे कर देगा तो अब तल होगा यहाँ एक यहाँ एक तो अब तक आई चला सीधे निकल जाएगा तो कांच हो जाएगा आंसर अच्छा कोई बात नहीं जी वो आंसर भी मिल जाएगा आपको मत है, है न न न तैयार है ना चला तू तू तैयार है तो हम तैयार हैं हम डरने वाले नहीं हैं हम चला के पढ़ा देंगे हमर चलवा के कोई हरा देगा हमर चलवा चला नहीं पढ़ेगा तो हम जी के की करेंगे करने में लिखित में से कौन सा प्रकथन सत्य है 25 सेंटीमीटर इतना फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 4 डाप्टर चेक करो न चला अरे चेक करो न चला उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस का फोकस भी पॉजिटिव होता है और पावर भी पॉजिटिव होता है अवतल लेंस लेंस है है ये उत्तल मेरी जान उत्तल उत्तल लेंस लेंस है है मेरी मेरी जान जान ये और अगर अवतल लेंस है अवतल लेंस है तो इसका फोकस भी निगेटिव होता है और इसका पावर भी निगेटिव होता है अब ये चेक करो ना पच्चीस मीटर अगर रहेगा तो पावर सगरे पर जीरो पॉइंट टू फाइव दिया हुआ है तो चला पी निकालना है मीटर में है वन बाय एफ होता है तो फोकस दूरी वन बाय जीरो पच्चीस कर दो पॉइंट पच्चीस करो ऊपर चल जाएगा एक सौ हो जाएगा पच्चीस में है तो भी प्लस में होगा अर्थात उत्तर आंसर बताओ जल्दी बताओ आंसर चला जब इंडिया बैटिंग कर रहा था ना तो हम पढ़ा रहे थे पगला आदमी है जब रक्षाबंधन में सब घर गया था तो हम पढ़ा रहे थे जब पंद्रह अगस्त में सब स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी मना रहा था तब भी हम पढ़ा रहे थे और अभी जब सब घर में सो रहा होगा तब भी हम पढ़ा रहे हैं चला हम चला कभी पीछे नहीं हट सकते क्योंकि चला अपने खून में इंसानियत भरा हुआ है बेमानी अपने नस में नहीं है अब तू अपने मम्मी पापा के प्रति ईमानदार है कि नहीं तो तुम जानो तुम्हारे पास न पढ़ने के एक सौ बहाने, बहाने हो सकते हैं एक सौ बहाने हो सकते हैं तुम्हारे पास ये है इसलिए नहीं पढ़ेंगे वो है इसलिए नहीं पढ़ेंगे फलना है इसलिए नहीं पढ़ेंगे चला आंसर बता क्या होगा अगला जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो कोई बात नहीं चला जी जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या होगा ओए इधर आओ आधर जा रही है इधर आ अभी हमारे चलवा थका नहीं है वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए दर्पण द्वारा आवर्धन तो चला दर्पण द्वारा आवर्धन जब ये हम कहेंगे वाहन के लिए तो वाहन के लिए तो छोटा प्रतिबिंब बनता है छोटा प्रतिबिंब क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं अब उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है छोटा अब जल्दी से बताएगी मेरी जाने मोहब्बत कि क्या होगा आंसर अब छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो m का मान जो होगा वो 1 से कम होगा अब बड़ा के लिए 1 से अधिक होगा तो जल्दी से आंसर मार देगी मेरी जाने मोहब्बत जाने जा 3 घंटा तक चिल्ला बोल रहे हैं खाली मिठैया खिला देना मिठाई खाली चला खिला देना और कुछ नहीं चाहिए तुमसे अगला खाना भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं आप पढ़ो भी किसी अवतल दर्पण पर सूर्य की किरणें पंद्रह सेंटीमीटर की दूरी पर अभी सरित होती है अवतल दर्पण सूर्य की किरणें पंद्रह सेंटीमीटर पर आप होती है तो ऐप का मान हो गया प्लस पंद्रह सेंटीमीटर इस दर्पण के सामने किसी बिंब को कहां रखें कि इसका समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा अरे चोटा समान साइज का प्रतिबिंब अगर बनाना है तो एफ के जगह पर सी पर रखना होगा सी का मान जो होगा वो सी जो डिस्टेंस होगा इसका दुगुना होगा हो। हो तो हो दर्पण से तीस सेंटीमीटर की दूरी मार दो खड़म गेरा इसका समान साइज का बनाना है समान साइज का बनाना है तो वक्रता केंद्र पर रखना होगा फोकस अगर पंद्रह है आपको पता है एफ बराबर आर बाय टू होता है आर बराबर टू एफ हो जाएगा टू एफ हो जाएगा दो गुना पंद्रह बराबर तीस हो जाएगा आंसर देख रहा है ना विनोद कैसा कैसा क्वेश्चन है अरे विनोद देख रहा है ना कैसा कैसा क्वेश्चन है जीत की हवस है मुझे जल्दी से पढ़ लेंगे हम गाना हमारा नहीं आता हो चिला जी पैर तो हमरो दर्द करता है लेकिन की करेंगे हमारे कैरियर के सवाल ना तो चलवा हमारा मिठाई नहीं खिलाएगा कैसे कहेगा साइंस सबसे बढ़िया इसके जा पढ़ाता है हम ही साथ छोड़ देंगे तो देख रहे विनोद कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कहते निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता जल्दी बता जल्दी बता चला पूरी लंबाई देखना है ना तो छोटा करके ही देख सकते हैं छोटा एक करता है उत्तल दर्पण बड़े बड़े चीजों को अगर पूरा देखना है तो उत्तल दर्पण में क्योंकि चला तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो पूछ लेना सिटिंग में था आंसर क्वेश्चन नंबर बारह इधर आओ किधर जा रही है टॉर्च सर्च लाइट वाहन की हेडलाइट में बल्ब कहां लगा होता है एकदम चला फोकस के अत्यधिक निकट तब ना फोकसित करेगा आप जल्दी से बता दो तुम लोग आंसर क्या होगा व्हाट इज द आंसर चला टॉर्च सर्च लाइट हेडलाइट सब में चला तल दर्पण बल्ब कहां लगाएंगे फोकस पर तब ना फोकस करेगा फोकस के अत्यधिक निकट बल्ब लगाएंगे तभी ना चला फोकसित करेगा आंसर बताओ आप फोकसित करेगा तब ना दूर तक जाएगा दूर तक जाएगा चूंकि ये कन्वर्जिंग है चला आंसर बताओ ये जो है चला अवतल दर्पण जो होता है ये ऐसा होता है आगे मई आगे मई आगे मई आगे मई आगे मैया एक जगह फोकसित करता है तो फोकस पर यहाँ बल्ब अगर हम लगा देते हैं यहाँ बल्ब लगा देंगे चला यहाँ बल्ब लगा देंगे तो सारा का सारा किरण फोकसित होकर बाहर जाएगा अब दूर तक जाएगा तब आंसर बता क्या होगा परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट अगला क्वेश्चन परावर्तन का नियम लागू होता है सभी दर्पण पर आज चला एग्जाम हॉल से जो निकल के आया था वो लेंस बता रहा था लेंस पर अपवर्तन का नियम लागू होता है ये हमेशा ध्यान रखना दर्पण जितना है उस पर परावर्तन का नियम लागू होता है और लेंस पर चला अपवर्तन का नियम लागू होता है जिसको आप स्नेल लॉ वगैरह कहते हैं किरण अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में तलम साइनाई बराबर साइन आर म्यू बराबर वो सब अपवर्तन के लिए दर्पण जितना दर्पण है सब पर लागू होता है चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों ना हो आंसर जल्दी लिख चला जो जोश है ना उसको खाली ठंडा मत होने देना हमारा लिए पढ़ाना कोई बड़ा बात नहीं है सोलह 16 ये है चार पांच क्लास काफी है कुछ बचने देंगे अगला क्वेश्चन कोई किधर गया हुई? आंसर हुई? कोई आंसर बताओ इधर देखो क्वेश्चन खाली देखने से बवंडर है वायु से कांच के आयता आए हैं वायु से कांच के आयताकार स्लैब पर आपतित किसी प्रकाश की किरण पथ पथ के गमन पे चार विद्यार्थियों ने एबीसीडी का चित्र बनाया देख लो वायु से कांच में जा रहा है किससे किस में जा रहा है ये वायु है चला देखो हम बना देते हैं हम एक विद्यार्थी बन जाते हैं ले हम एक विद्यार्थी बन जाते हैं वायु कांच, फिर वायु चलो लेटेस्ट आई एम द स्टूडेंट ऐसे आएगा विरल माध्यम है ये अविलंब है तो विरल से सघन में जाएगा चला। तो विरल से सघन कांच में है तो ऐसे नहीं जाएगा थोड़ा मुड़ेगा लो मुड़ गया ये चिला थोड़ा सा मुड़ेगा ऐसे सीधा तो नहीं जाएगा क्योंकि कांच में है ना तो ये अभिलंब है अभिलंब की ओर आएगा इसे विद्यार्थी कौन गलत बनाया है देख लो हम विद्यार्थी हैं फिर यहाँ आया यहाँ आया ये अभिलंब है ये अभिलंब है फिर कांच सघन है ये विरल ई चला विरल माध्यम है देख लो चला इस सघन माध्यम है आई फिर विरल माध्यम है यहां जब आया चला वायु से तो ये चला आ, देखो ये सघन में गया अभिलंब की हो रहा है विरल में जाएगा इसको चला इससे जाना चाहिए लेकिन ये इससे जाएगा अब देख लो तो कौन सही है जनवर जन्वर, जनवा वेरी गुड वेरी गुड जनवा वाले वेरी बैड वेरी बैड देखो हम विद्यार्थी हैं हम सही बनाए हैं आप कैसे बनाए थोड़ा तो बता दी कि सघन से विरल से सघन में आया था सीधे नहीं जाके अभिलंब की हो रहा फिर सघन से विरल में जाएगा तो चला ऐसे नहीं जाके ही थोड़ा सा दूर जाएगा अब हम विद्यार्थी हैं अब तुम विद्यार्थी हैं अब दोनों विद्यार्थी सीधे निकल जाएगा सीधे निकल जाएगा यहां से फिर सीधे निकाल दिया आंसर किया क्वेश्चन में जो थ्योरी है आपके पास उसी से बना देंगे हम खाली आपको देखना है चला जितना तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है सोलह घंटा हमको दे दू सोलह घंटा सोलह चैप्टर खत्म अगला अगला हम चले जल्दी नोट कर चला रे हे ही क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है आप पढ़े हैं कि नहीं अपवर्तनांक जो है अपवर्तनांक जो है चला माध्यम आपको पता है आ, हवा के लिए 1.008 आ पानी के लिए 1.3 आ कांच के पैर हमरो दर्द कर रहा है चला छोड़ेंगे नहीं लेके पूरा दिन क्लास लिए मजा आ रहा है चला लग रहा है कि कुछ कर रहे हैं लाइफ में तोरो ये एहसास होना चाहिए जो-जो सघनता बढ़ रहा है जो-जो सघनता बढ़ रहा है अपवर्तनांक समान बढ़ रहा है अर्थात अपवर्तनांक समानुपाती होता है सघनता के अर्थात चला समानुपाती होता है सघनता के अब चला यहां ग्लिसरीन है पीडीएफ में जो हिंदी वाला है ना पीडीएफ उसमें गलती दिया हुआ बेंजीन दिया है इंग्लिश वाला में ग्लिसरीन है तो चला बता जो, जो कहता है आपको जल तारपीन तेल ग्लिसरीन तथा क्यूरोन दिया है इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आप कोई प्रकाश की क्रंथ सबसे अधिक मुड़ेगी सबसे अधिक तब मुड़ेगी चला जब वो अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तब तबे नोड़ेगा अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा तो चला सघन होगा सघन होगा चला तो सब तब है ना अपवर्तनांक सबसे अधिक है किसका बता सबसे अधिक मुड़ेगा उसमें जो सबसे ज्यादा सघन होगा अच्छा सबसे ज्यादा सघन होगा वो कौन होगा बता जल्दी से ग्लिसरीन सबसे ज्यादा गाढ़ा यही होगा जल किरोसिन तारपीन का तेल ग्लिसरीन चला हाथ में लेके ऐसे लगाना पूरा मोटा होता है मुंह पे लगाए ना पूरा मोटा मोटा होता है अब जल्दी बता आंसर क्या होगा वॉट इज द आंसर लल लाल आंसर कल चला मैराथन के टाइम में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे हम लोग और 10 बजे से लेंगे क्योंकि दीपक सर का क्लास है 9 से दस पूछो दीपक सर को फोन करके मेरे टाइम पे लेंगे या अपने टाइम पे लेंगे पूछ लो कितना टाइम हो गया अरे चलो आ, कितना टाइम हो गया नहीं सोते होंगे आजकल मोबाइल किसी को सोने देता है बताओ आंसर अगला क्वेश्चन चला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं चलाई देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन दे दिया है जल्दी से बता दो चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश की निम्न आरेखों में कौन सा सही है चिला जी एक को तो सही होवे करता है जब ऐसा किरण आता है ना जब ऐसा किरण आता है तो ये ऐसे चल जाता है तो ये ऐसे चल जाता है एक को यही सही है जो फोकस से गुजर रहा है, है वाला डी नंबर आंसर ये ऐसा है बाद बाकी को क्या किया इस सही है चला गलत सब कैसे कैसे ये फोकस है आ गलत सब कैसे किया है ये ऐसे देके छोड़ दिया है आ चला यो गलत है ये को चला इसे दे दिया है ऐसे दे दिया है आ यहाँ चला इसे दे के आ यहाँ एफ दे दिया है यहाँ टू एफ टू एफ तो, तो पहले हो गए नहीं कहता ऐसे कर दिया ये भी गलत है आ ये को चला क्या किया है बाकी तो सब गलते हैं जो फोकस से गिरेगा वो गलत होगा चला दीपक सर का नोट दस चलता है तो उनका क्लास डिस्टर्ब करना ठीक नहीं रहेगा हम अपना क्लास दस बजे से करेंगे कल की मैराथन दस बजे से लगेगी आप लोग तैयार हैं चला मैराथन के लिए आप लोगों को चला अच्छा लग रहा था एक बार आठ टाइप कर दीजिए लग रहा है कि नहीं सर हमको फायदा हो रहा था आठ टाइप कर दीजिए लग रहा है एकदम फायदा नहीं होने वाला तो नौ टाइप कर दीजिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा बता कल चला केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं जल्दी बताइए आंसर क्या होगा क्या था किसी उत्तल लेंस में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में कौन सा सही है जल्दी बता इस सबको पता चला ये तो एकदम गलत है इत अधूरे हैं। ये भी अधूरा है ये भी अधूरा है ये पूरा है आंसर जल्दी बता चला क्या होगा व्हाट इज आंसर सही ये।, ये सही है ये सही है चूंकि चला अवतल अगर होगा ना तो देखो उत्तल लेंस अगर होगा तो या तो ऐसे आएगा ये F2 से या तो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा या तो ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा ये हो जाएगा ठीक है आंसर क्या हाँ कल दस बजे से मेरा छन अगला ही मजाक चल रहा है कि नहीं कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा यही क्वेश्चन पूछा है चला यही क्वेश्चन पूछा चलवा हमारे गड़बड़ कर दिया ये जादुई दर्पण है जादुई दर्पण की रहेगा खाक यही छोड़वा खड़ा है यही क्वेश्चन पूछा डायरेक्ट यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब का उसका सिर बड़ा एह सिर जो है चुटमल के बड़ा दिख रहा है बहुत बढ़िया बात उसके शरीर का मध्य भाग का साइज समान ई चोटमल के समान समान कर बाकी जो पैर है तो छोटा है, दिख रहा है तो बता क्या ऑर्डर रहेगा बड़ा तो चला एक के को बनाता है आओ के ने केने की कर रहा है अब चला तो हम आंसर सीधे बता देंगे अब जल्दी बता ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा चला डिजिट भी चेंज नहीं हुआ बड़ा है तो चला अवतल में बड़ा बनता है अवतल दर्पण में समान किसमें बनता है चला समतल में बनता है छोटा बनता है उत्तल दर्पण में ला, 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 ला तो भगवान से मनाइए चला कि दस क्वेश्चन आपका सीधे छप जाए सेट तो क्वेश्चन करिए दिया होगा अब सेट थोड़े करेगा क्वेश्चन सेट हो गया है अब जल्दी से बता दीजिए क्या होगा अवतल समतल और उत्तल आंसर वैसे चला शाम में भी यूट्यूब खाली ही है छ सात तो मेरा क्लास है छ से सात सात से नौ दस बजे से लेंगे तू तैयार है ना तू तैयार है तो हम भी तैयार है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन डायरेक्ट छपा है अगला क्वेश्चन बता जल्दी से क्या होगा निम्नलिखित में किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब चला सब में छोटा बनेगा जल्दी बता आंसर क्या होगा जल्दी बता दो चला आंसर क्या होगा जल्दी बता प्रवीण जल्दी बता आंसर क्या होगा दर्पण 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 जल्दी बता निम्नलिखित में से ये हो गया चला चैप्टर का खात्मा चैप्टर का खात्मा है जल्दी बता निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अवतल लेंस उत्तल लेंस सब में चला अनंत पर देखो ये तो जान लो कि अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में आ उत्तल लेंस में कहीं पर भी अनंत पर रखोगे तो छोटा बनेगा आ इसमें जो है चला हमेशा छोटा बनता है उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में कहीं रखोगे छोटे बनेगा अगे माय कहीं रखोगे छोटा बनेगा तो चला देखो अनंत तो कहीं में आइये न गया कहीं रखोगे छोटा बनेगा अगे मई हो गे मई हो मई हो मार देगे दही आंसर के जल्दी मार रात मेरे दस से एक रात में लोग हड़बड़ा गया देखो तू चला तैयार है ना रात में दस से एक एकदम टेंशन नहीं लेना तुम लोग तैयार है ना मेरा पूरा टीम तैयार है तैयार है रे धोखा नहीं देना हम क्लास लेने के लिए तैयार है हाँ ना दस बजे रात में लेंगे आंसर हो जाएगा डी फोर डॉग मारो रे चलवा मारो हो गो खत्म लाइट खत्म लाइट खत्म अब चला की करेगा बता कल दस बजे फिर मिलते हैं तीन चैप्टर खा गए तुहरा चौथा चैप्टर फिर कल दस बजे दस बजे दस बजे चला कि अभी पढ़ेगा कितना लोग अभी पढ़ने के लिए तैयार है एक बार एक टाइप करो आज कह रहा है कि नहीं कल पढ़ाइएगा तो चला दो टाइप करो जल्दी से अगलो हमार बनल है देखो पढ़ा 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 दिए 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 यो, बनाल है, यो बनाल है बोलो चार नंबर हेकरा ले लेंगे फटाक से तू हां बोला कि हम शुरू हुए तू हाँ बोला कि हम शुरू हुए तैयार है आगे माए आगे माए तैयार है तल्ले तैयार है तल्ले तब तीने क्लास में खत्म हो जाएगा तैयार है ना तू चीत की हवस नहीं नण नड़ जल्दी बता तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है जल्दी बता चला, पहला, कार्बन एवं उसके में आ चला। नहीं मिला तो अलग बात है पहले से पढ़ा हुआ ही है लेकिन अगर डायरेक्टे मिल गया ऑप्शन सही तो चला मामला गरमा नहीं देंगे कहते हैं निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है जल्दी बता अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रहता है चला अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में दोनों रहता है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है भी गलत है। तो में गलत है है तो एकदम अल्प मात्रा में रहता है। चला जीरो पॉइंट जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है जा रहा है क्या प्रवीण है अभी वेरी गुड जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट आ जाओ चला एक खत्म कर देते आओ ना चला हमारा नहीं हमारा पास क्वेश्चन नहीं टिया सकता आओ चला कथन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के लिए सही है बता जल्दी से क्या होगा इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जल्दी बता आंसर बता हम सबका कमेंट, सब कमेंट देख रहे हैं चलवा मेरे सामने में लैपटॉप खुला हुआ है हम सबका कमेंट देख रहे हैं लव लव यू लब यू मेरा भाई जल्दी से बता आंसर क्या होगा ये विद्युत के उत्तम चालक है एकदम गलत है ये विद्युत के अल्प चालक है ये सही है और चला इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है एकदम गलत है इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है यह स्वसंयोजक बंधन चला कार्बनिक यौगिक जो होता है यह स्वसंयोजक बनाता है और स्वसंयोजक जो होता है स्वसंयोजक बनाता और अगर कठोर मजबूती का क्रम बताएगा मजबूती का क्रम बताएगा तो चला आयनिक बंधन ज्यादा मजबूत होता है आयनिक बंधन ज्यादा चला अगर छप गया ना कहीं दस क्वेश्चन तो तू समझ ले के तौर पर भाग्य उदय हो जाएगा इसलिए चला देख लो सौ कोई पैसा नहीं ले रहे हम तुमसे सौ संयोजक सौ संयोजक जल्दी से मार लो मजबूती तो चला आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बता दो रे भैया कार्बनिक सौ संयोजक बनाता है यह विद्युत काल्प चालक है और मध्य प्रबल आकर्षण अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है यहां नहीं दे दिया है आंसर मार आंसर हो जाएगा डी दो और चार आयनिक जो होता है चलाइए चला ये जो आयनिक देता अगर कार्बनिक नहीं देता आयनिक तो ये उत्तम चालक होता उत्तम चालक होता द्रव अवस्था में द्रव अवस्था में ये उत्तम चालक होता और चला इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण होता प्रबल आकर्षण होता प्रबल आकर्षण होता प्रबल आकर्षण होता बस चला यही कहते हैं एक बार हम अपनी दीदी को बोले चला कि थक गए दीदी अब कैसे होगा तो दीदी बोली थक गया तो चढ़ गया चढ़ गया मतलब दो कदम पर मंजिल है चढ़ जा मेरे मित्र दो कदम थक गया ना तो मतलब चढ़ गया दो कदम पर मंजिल है वहीं से फिसलेगा तो से नहीं होगा इसलिए मेरे मित्र फिसलना नहीं है हिम्मत नहीं हारना है बता एन एस थ्री के एक अनु में होते हैं जल्दी से बता चला आंसर क्या होगा वट इज आंसर हम सबका कमेंट देख रहे हैं चला बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा ए फॉर एप्पल एनएस थ्री के एक में एन एस थ्री में चला एकदम देख लो खाली एकल बंधन होता, एक होता है यहाँ एक लोन पेयर होता है आंसर हो जाएगा एक त्रिबंधन चला पूछा एन टू में एन टू में चला त्रिबंधन होता है ये 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 द्विबंधन होता है चला ओ टू में द्विबंधन और एकल बंधन दोनों द्विबंधन और एकल बंधन द्विबंधन और एकल बंधन किसमें होता है ढेरी में होता है चला लिख लो ये देखो द्विबंधन बंधन भी है एकल बंधन भी है अनसेड में यानी आप कह सकते और में असंतृप्त में चला डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड होता है केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो संतृप्त हो जाएगा आंसर मारो न रे चला रे थक गया मतलब चढ़ गया वैपन लाइट कट गया कोई बात नहीं जनरेटर वाले को फोन करो जनरेटर देगा कि नहीं चलेगा कि नहीं ये सब बंद ना होगा अरे बाप रे बाप अरे अल्लो रे अरे अल्लो रे अल्लो रे, रे बक मिनिस्टर फुल रीन एक खोज रहे थे हम कार्बन का कट खोजो मोर्स कार्बन सिक्सटी मंद करता कर याद है क्वेश्चन को हम चलवा से परेशान कर दिया मुंह में लाठी ठूस देंगे क्वेश्चन के फुल रीन आईसी को कह जियोडेसिक संरचना जियोडेसिक संरचना फुटबॉल की संरचना हमारे चलवा के परेशान करेगा मुंह में लाठी ठूस देंगे ऐसा क्वेश्चन के एकदम तुम टेंशन नहीं लो हे मार लके हमारे चलवा हे भगवान एक में चलवा क्वेश्चन देगा अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता जे एक रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी हम लोग करेंगे अभिक्रियाशीलता चला टीन का होता है कॉम और जिंक का ज्यादा इसीलिए तो खाना वाला बर्तन टीन का बना होता है अभी क्रियाशील कम होगा अगला कल होगा दस बजे रात से तांडव अगला, अगला 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 तीन दिन तीन क्लास खत्म हे रेल हे रेल हे रे कहे कि निम्नलिखित में ब्यूटेन की सही संरचनात्मक समावयवी कौन है सही संरचनात्मक समावयवी कौन है ब्यूटेन का सही संरचनात्मक समावयवी कौन है जल्दी बताइए चला जी आंसर क्या होगा इज द आंसर जल्दी बता सही संरचनात्मक समावयवी कौन है एक तो चला ई है नॉर्मल ब्यूटेन तो पता है एक तो ई है चला जल्दी बता जल्दी बता, एगो नॉर्मल ब्यूटेन सबको पता है पता है कि नहीं पता है कि नहीं पता, पता आइसो ब्यूटेन नहीं है रे जान हमार आइसो ब्यूटेन नहीं है रे जान हमार, दिखने रहा है कोई बात नहीं नॉर्मल ब्यूटेन आइसो ब्यूटेन है चला एक और दुई हो जाएगा आंसर एक और दुई हो जाएगा आंसर कोई बात नहीं दिख रहा है तो कौन बात हमारे चलवा के नहीं दिख रहा है ना चला थोड़ा सा लोग, ये लोग फिगर नहीं ना बना सकता है ता, ता, हमारे चलवा सब बना फिगर फोटो खींच के आ फोटो खींच के बना के इसलिए हो गए गड़बड़ एक आध दू गो को टेंशन नहीं लेना है एक और दू जाएगा नॉर्मल ब्यूटन ऐसा ब्यूटन एल पी जी का मुख्य घटक है अगला एहे हे, बापरे बाप रे बाप बाप रे बाप कल केमिकल रिएक्शन पढ़ाएंगे चला आये रे हेने आओ हेने आओ, हेने आओ आओ क्वेश्चन है चला कि उपरोक्त समीकरण में छारिया केम, फोर किस रूप में जब ये चला के एम एन ओ फोर की बात करेगा ना जल्दी बता दो क्या होगा के एम एन फोर याद रखना चला के एम एन ओ फोर जो है के एम एन ओ फोर जो है ये तो लाल दवा कहते हैं इसको लाल दवा कहते हैं और ये ऑक्सीकारक है लाल दवा कहते हैं और ये ऑक्सीकारक है उत्प्रेरक के रूप में हम लोग निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं निर्जलीकरण के रूप में हम लोग एस टू फोर का उपयोग करते हैं अब चायक तो अलग हो गया चला ऑक्सीकारक आंसर। right जल्दी से लिख लो ये रिएक्शन भी याद रखना चला रे थक गया मतलब चढ़ गया दो कदम पर मंजिल है यही एकदम याद रखना चला एक लाइन तेरे लिए काफी होगा

इसी को आईसी को हम चला संकलन भी कहते हैं संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं संकलन अभिक्रिया कुछ कुछ लोग जो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे इसको चला कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं चला रे अंतिम टाइम में चला हम चाहते ना तोरा से पैसा वसूल कर सकते थे बोलेंगे पढ़ाएंगे एक हजार टका लगेगा वो भी तू देता लेकिन चला हम ऐसा काम नहीं करेंगे हम चला जो बीड़ा उठाए थे पर लेकिन मिठैया नहीं खिलाएगा तो मुंह में लाठियों ठूसेंगे ये तुम याद रखना खाली पढ़ने से नहीं होगा चला इसको बार बार रिवीजन भी करना है जितना ज्यादा आप रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए अगला बता जल्दी से क्या होगा संकलन अभिक्रिया है ये ये निकेल या पेलेडियम दोनों देता है कभी कभी निकेल या पेलेडियम याद रखना कभी कभी यो देता है क्वेश्चन में कि भैया खाली निकेल उत्प्रेरक का उपयोग होता है कि पेलेडियम का कि दोनों का हाइड्रोजनीकरण है कहते हैं वनस्पति तेल से कृत्रिम घी लिख लिया कि पिट्टू पिट्टू करेंगे क्वेश्चन नंबर दो दम है ना मर्द है तो पकड़ के सरिया दो हा चला पैर तो हमरो दर्द कर रहा है भोरे साढ़े बजे से क्लास है लेकिन टेंशन नॉट सोच लिए करना है मतलब करना है इचला साबुन के अनु होते हैं जल्दी से बताइए साबुन के अनु होते हैं चला जलरागी और जल विरागी जलरागी शीर्ष होते हैं और जल विरागी पूछ होते हैं और इसका जो चला जलरागी शीर्ष को शीर्ष कहते हैं और जल से विरागी जो कठोर जल वाला होगा उसको पूंछ कहते हैं और जो बुलबुला का समूह है इसको माइसेल कहते हैं बुलबुला स्टार मार लो इसको बढ़िया से देख लेना बुलबुला का समूह जो होता है इसको माइसेल कहते हैं बुलबुला का जो समूह होता है चला इसको माइसेल कहते हैं बुलबुला के समूह को चला माइसेल कहते हैं जल्दी बता व्हाट व आंसर जल्दी लिख बुलबुला के समूह को चला माइसेल कहते हैं भैया है देखो अगला क्वेश्चन जो अभी तुरंत थोड़ा देर पहले बताए हैं चला वही होगा बढ़िया से देख लो ये चला हम तुरा बताए थे नाइट्रोजन के नाइट्रोजन जो होता है एक सात होता है दू पांच तो नाइट्रोजन के एक दू आ तीन एक दुई फिर नाइट्रोजन एक आ तीन एक आ चला से तब नहीं ट्रिपल बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन चला अगर दसों को ल, दिया ना नहीं पूछा तब तो तोरा पास हथियार है ये है पूछ दिया ना तब की बात करते हैं जल्दी से बता दो क्या हो तो जाएगा तो आंसर तो जीत तो की हवस नहीं यही आंसर होगा यही आंसर होगा अब कहेगा यहाँ क्या मास्टर यहां लिखल है ये ऐसा लिखा हुआ है चला तीन दो पांच कर तीन दो पांच आंसर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा पता चला एथाइन एथाइन बोले तो अलकाइन एथाइन बोले तो अल्काइन अलकाइन बोले तो चला सी एन एच टू एन सी एन एच टू एन माइनस टू अब जल्दी बताए इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा इथ है ना तो इथ है चला तो तीन होगा तीन दूनी छ में दो गया चार तो अच्छा इथ है तो दो 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 दूनी चार में दो गया दो तो सी हो जाएगा बता जल्दी से सी आंसर क्या होगा मार चला सरिया के जल्दी मार एल्काइन एथाइन है एथाइन है मतलब एल्काइन है सी एन था है, तो दो कार्बन दो देंगे दो दुनी, चार दो गया दो हो जाएगा आंसर अगला 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 अगला, अगला का निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक को पहचानी है आपको पता है हाइड्रोकार्बन हम चला कितना बार बताए हैं इसको खाली दो ऑप्शन में तोड़ देना है एक होता है संतृप्त होता है चला असंतृप्त संतृप्त में हो गया एलकेन यानी सिंगल बॉन्ड असंतृप्त में हो गया चला एल्कीन यानी डबल बॉन्ड और एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड अब जल्दी बताता आंसर चला चला कुछ लोग मंजिल पर चढ़कर लौट आते हैं उसे कभी मंजिल का मजा नहीं मिलता है इसलिए आप मंजिल का मजा लीजिए संतृप्त है तो असंतृप्त या तो एल्कीन होगा ना तो एल्काइन होगा एल्केन नहीं होगा ये प्रोपेन है ये नहीं होगा क्लोरोप्रोपेन है यह भी नहीं होगा ये दोनों हो जाएगा क्योंकि यह प्रोपीन है यह प्रोपाइन है यानी और एल्काइन है आंसर हो जाएगा चला दो और तीन है दो और तीन आंसर दो और तीन इज द राइट आंसर अगला क्वेश्चन तू तैयार है तो हम तैयार है क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन जल्दी बता इसको लिख लो जल्दी से जल्दी लिख चला क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जल्दी लिख अब चला हे, अगला क्वेश्चन यहां है चला बता क्लोरीन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सी एच फोर ले लो संतृप्त में मीथेन, आई जब सी एल टू से भी क्रिया करता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है चला और यह बना देता है सी एच सी एल थ्री या सी एच थ्री सी एल पहली बार में ये अगर तीन बार रिएक्शन करता है चला और तीन बार रिएक्शन ओए किधर गया ओए खराब क्यों हो गया चला बना देगा सी एच सी एल थ्री बता जल्दी से आंसर क्या होगा व्हाट इज आंसर आंसर बता चला कल रात दस बजे से होगा मैराथन जल्दी बता ये हो जाएगा सी एच सी एल थ्री आपको कहेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हा उपस्थिति में आंसर सी एच सी एल थ्री पीएचसीएल3 एक क्लोरोफॉर्म का निर्माण करता है क्लोरीन जब संतृप्त यानी एल्केन के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करेगा जल्दी रिएक्शन लिख जल्दी लिख चला 12 बजे बोले थे चला 12 बजे तक चौथे चैप्टर में हम है हम लोग कुछ है चलाएग्राम में बस खाली हम लोगों को थोड़ा सा देख लेना है एक बार जल्दी से बताइए खाली क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है कहां गया वो प्रवीण बोला आंसर एव क्वेश्चन चला हम तुमको देते हैं जल्दी से बताओ तो एल्केन का सूत्र क्या होगा एलकेन निम्न से कौन सा नहीं है एक वो है प्रोपीन दूसरा है एकदम सिंपल क्वेश्चन प्रोपीन प्रोपेन तीसरा इथेन एलकेन नहीं है मारत की होगा चिला खाली इस आगे वाला देख के मार लेना है देख लो जी बढ़िया से जी देख लो जी बढ़िया से जी आंसर आंसर क्या होगा बता जल्दी बता आंसर क्या होगा कहता साबुन के मिसेल है मिसेल मतलब वही चला गुच्छ जो होता है इसी को गुच्छ कहते हैं साबुन का आयनिक सिरा गुच्छ की सतह पर तथा तो कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होता है आंसर याद कर लो चला इस संतृप्त और असंतृप्त का झोल है इसमें अगला क्वेश्चन बता चला जी ये क्वेश्चन तो तेरे से बनना चाहिए माई है।, है, 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 है एक चल है सी फाइव एच बारह है सी फाइव एच बारह है चला देखो तो तीन पांच दुनी दस बारह नहीं हरे सब जगह देख लो चला हाइड्रोजन बंधन सिंगल सिंगल में ही कर देगा अब गिनती शुरू कर दीजिए गिनती शुरू कर डायरेक्ट जा, चला क्वेश्चन पूछा है तो डायरेक्ट पूछा है तो चला पकड़ के सरिया दीजिए बताइए बारह सनयोग बंधन तीन एक चार एक पाँच एक छः एक सात एक आठ एक नौ एक दस ग्यारह बारह तेरह चौदह आए हैं आए हैं पंद्रह कै हो गया रे ये पांच दुनिया दस दू बारह तो चला तीन दो पांच दो सात दो नौ तीन बारह तो चला देख लो तीन एक चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह गो हो रहा है गिरे हमारा सोलह हो रहा है पानी दे दो रे भाई सोलह हो रहा है आंसर हे देखो हे देखो ये क्वेश्चन डायरेक्टे पूछा है बता बेंजीन का संरचना तो सूत्र तुम नहीं जानता है अरे चुटमलो बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र हर किताब में दिया हुआ है चला और एनसीआरटी का खौफ भी तो रख डरा नहीं सकता है थ्योरी तो चला उतने हैं जितना तू पढ़ा है यही रिएक्शन यही होगा आंसर बता यही होगा आंसर मार तू भी लेकिन हटने वाला नहीं है पढ़वे करेगा ना रे अच्छा कोई बात नहीं ये सब क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है बताओ जल्दी से आंसर एक राम यो पूछा बारह सिग्मा तीन पाए बारह सिग्मा तीन पाए जल्दी बता बारह सिग्मा और तीन पाए अब चला कहता है इथेनॉल सोडियम से भी क्रिया करेगा यानी C2H5OH ये इथेनॉल है ये सोडियम से विक्रिया करेगा जल्दी बता क्या होगा सोडियम से विक्रिया करेगा जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा यह बना देगा चला सी टू एच फाइव ओ एन ए प्लस एच टू अब बता आंसर क्या होगा एक तो पढ़ते हैं सोडियम इथोक्साइड बोले ना रिएक्शन से मत डरना पचास को रिएक्शन है दिक्कत होगा हम सबको एक जगह करवा के अब फिर तुमको मिले दे देंगे कल चला हम सारा केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाले हैं पहला क्लास वही लगेगा सोडियम पहला या दूसरा जो भी लगेगा सोडियम इथॉक्साइड और यहाँ हाइड्रोजन तो निकलवे किया था आंसर हो जाएगा सीफोर कैट सोडियम क्वेश्चन दिख रहा है चला सोडियम इथॉक्साइड और हाइड्रोजन कुछ लोग मंजिल पर चढ़कर मंजिल का आस छोड़ देते हैं चला क्योंकि उनको पता नहीं होता कि हम मंजिल तक पहुंच गए हैं रिएक्शन चला लिख लीजिए जल्दी से अगला, अगला कहता है चार हो जाएगा ब्यूटेनोई कमल है चला ये सी फोर एक दो तीन चार एसिड है सी ओ एक्स तो यही हो जाएगा ये तो चला अल्कोहल है यहाँ भी चला सी ओ एच इफे गड़बड़ है, यह गड़ है। यहाँ चला डबल बॉन्ड दे दिया के मतलब चार, एक, दो तीन चार ओ के सीड इथानोई के सीड हो जाएगा सी एच थ्री सी ओ एच इथानोई की पुष्टा है चला इथानोई कमल का फॉर्मूला एकदम आप याद रखिए सी एस थ्री इसका अगर स्ट्रक्चर कहेगा CS, जल्दी से नोट कीजिए चला लास्ट टाइम में पता चला एगो चीज हम नोट नहीं किए और वही चला पूछ दिया पे ध्यान नहीं दिए एक नंबर से झोल फंस गया जल्दी से लिखो या तो वो पूछेगा या तो ये पूछेगा क्योंकि में पाया जाता है चला इथेनोइक एसिड जल्दी लिख इथेनोइक एसिड चला भिनेगर में पाया जाता है सिरका में पाया जाता है इसलिए यहां से क्वेश्चन आएगा अगला जानू जल्दी बता दो तुम रे बताओ जल्दी से चला जो होता है के का जल में से होता है ध्यान रखना चला सिरका जो होता है एसीटी के का जल में पांच से आठ परसेंट का विलियन होता है जल में पांच से आठ परसेंट का एसीपी के जो है विलियन होता है जल में याद रखना सिरका ही चला खट्टा होता है जल्दी से बताओ अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जल्दी बताइए चला अम्लीयता की अगर बात करोगे ना तो आपको भी पता है प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल आप पढ़े होंगे खनिज अम्ल जितना है एच एन ओ थ्री एस टू एस ओ फोर या जो भी है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है चला आ, किसकी तुलना में कार्बोनिक अम्ल की तुलना में या कार्बोनिक अम्ल की तुलना में कार्बोनिक अम्ल की तुलना में हम यह चला कार्बनिक अम्ल जो होता है ना यह दुर्बल अम्ल होता है क्योंकि यह धीरे से h+ छोड़ता है चला अगर दसों को क्वेश्चन मिल गलो ना तो हो जातो गर्दा प्रबल हम खड़े हैं तीन घंटा से चला जल्दी बता आंसर व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 आंसर हो जाएगा चला खनिज अम्ल पूर्णता आयनित होता हाँ चला ये चूंकि प्रबल अम्ल होता है इसलिए पूर्णता आयनित होता है ये सही है फिर कहता है चला कि कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णता आयनित होता गलत है दुर्बल अम्ल है पूर्णता नहीं होता खनिज अम्ल आंशिक एकदम नहीं आ कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक हाँ एकदम आंशिक होता है क्योंकि दुर्बल होता है आंसर 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 जल्दी बता एक और चार कहने है एक और चार आंसर एक और चार इज द राइट आंसर एक और चार इज द राइट आंसर जल्दी लिख चला आप पढ़े होंगे प्रबल अम्ल वो अम्ल होता है जो तेजी से H+ प्लस देता है आपको यह भी पढ़ाया गया है कि कार्बनिक अम्ल जितना होता है चला वो प्र... दुर्बल अम्ल होता है ये धीरे से H+ प्लस देगा यानी आंशिक रूप से देगा दुर्बल अम्ल होता है खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होता है एच टू एच फोर एच थ्री प्रबल अम्ल होता है आंसर अगला।, अगला 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 पूरा किताबें खत्म करेंगे चला अगला बता आंसर क्या होगा कार्बन अपने चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से चार सहसंयोजक बंधन बनाता है चार बंधों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा जल्दी बता चार जब वो कर लेगा तो चार ऑलरेडी उसका है चार ऑलरेडी उसका है कहता है अपने चार सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा एकल संयोजी परमाणु जैसे हाइड्रोजन के साथ साझे से चार सो बना बंधन बनाता है तो निर्माण करेगा तो कहता है बंध का निर्माण उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करेगा व्हाट इज आंसर व्हाट इज आंसर चला फॉर वन जल्दी बता चला ये नियोन का कर लेगा क्योंकि आठ तो दिया हुआ है नहीं तो नजदीकी और गैस का करता है, हिलियम, नियोन. हिलियम का होता है चला दो नियोन जो होता है ये दस होता है तो नजदीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करेगा कोई भी जब एक दूसरे से जुड़ेगा चला तो नजदीकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना अक्रिय गैस का प्राप्त करता है तो कार्बन का नजदीकी आंसर हो जाएगा अगला बस चला दो कदम पर मंजिल है पता आंसर क्या होगा हाइड्रोजन का ही चला ये बिंदु वाला डायग्राम वाला पूछ रहा है कोई बात नहीं बना देंगे ये चला ओ है ये चला ओ है ये चला ओ क्या होता है छो यहाँ छो होगा यहाँ होगा होगा कुछ कुछ में यहां से गायब कर दिया कुछ में से गायब कर दिया तो एक एक से बता दो ये, 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 ड्रॉ किया हुआ है इसलिए ये आंसर होगा बाद, बाद जल्दी से लिख लो तब न चलासे जो है ये बंधन जो बनाएगा ये जो बंधन बनाएगा ये ऐसा ऐसा तब नहीं जुटेगा छह दो आठ छो इधर से हाइड्रोजन एक एक लिया एगो लिया हाइड्रोजन आंसर अगला 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 जल्दी से बता दो चला अगला का आंसर क्या होगा बस चला क्वेश्चन नंबर मात्र उन्तीस तक है इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मात्र सात को क्वेश्चन और करवाएंगे जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा सीधी श्रृंखला हाइड्रोकार्बन नहीं है चला देख लो ई भी सीधा है ई भी सीधा है ई भी सीधा है ई चला टेढ़ा है वो इधर है वो इधर, वो इधर ब्रांडिंग कर दिया आंसर हो जाएगा ई आंसर हो जाएगा डी फोर डॉग सीधा नहीं है अगला ही तो नॉर्मल क्वेश्चन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है चला जहां जहां और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कह रहा है तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जल्दी से बता और संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब ये कह दिया चला मतलब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड अभी तुरंत बताए थे तो ई तो नहीं होगा ई चला ई ट्रिपल बॉन्ड ई हो जाएगा ई भी नहीं होगा ई हो जाएगा तो चला दो और चार हो जाएगा क्या है दो और चार चला बाहर के थ्योरी है विदेश से थ्योरी आया है रे बीनोद। बीनोद सब जो है नींद लगेगा क्योंकि विनोद तो खैनी नहीं खाता है जल्दी से आंसर बता रे विनोद चौथा चैप्टर में है रे विनोद आंसर बता जल्दी से अगला रे आंसर बता जल नि में से कौन सा एक समझातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है देखो देखोन है ये भी दो दु, दूनी चार छः दुनी, चार, दुनी, चार, दुनी, चार, दुनी, चार, दुनी आठ गलत है ये सब एलकेन है बढ़िया देख लो एलकेन है तो चला सब में फॉर्मूला लगल है सी एन एस टू एन प्लस टू सब में फार्मूला लगल है आंसर जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा व्हाट इज आंसर एलकेन सी एन एस टू एन प्लस टू राइट आंसर समझातीय श्रेणी के लिए एक ही या तो एल्केन का होगा, तो तो बस चला चार क्वेश्चन और करेंगे हम लोग अच्छा कर क्या, क्या है एक तीन, तीन कार्बन है जल्दी से बताओ सी एच ओ है अल्डीहाइड है अल्डीहाइड है। में क्या होता है अल्कोहल में अल होता है एल्डिहाइड uh, में एल होता, uh, होता है जल्दी से बता। प्रोपेनल होगा कि इथेनॉल होगा तीन है जल्दी बता प्रोपेनॉल तो होगा नहीं इथेनॉल भी नहीं होगा तो प्रोपेनॉल होगा कि इथेनॉल होगा एक दो तीन यो कार्बन गिनते हैं जल्दी बता क्या होगा आंसर जल्दी बता चला प्रोपेनॉल का अल होता है अल होता है आंसर बस तीन क्वेश्चन और चला दस क्वेश्चन खाली हम चलवा से भगवान से दुआ करेंगे मिल जाए तीनों दिन पढ़ाएंगे तीन दिन में पूरा किताब खत्म कर देंगे सी एस थ्री सी एस टू ओ सी एस थ्री सी एस टू में सी वन क्या लिखा है चला क्वेश्चन थोड़ा सा हमको गड़बड़ लग रहा है सी वन में उपस्थित विषम परमाणु अच्छा अच्छा विषम परमाणु इसमें कह रहा है यहाँ चला सीएल है अब कह रहा है इसमें विषम परमाणु कौन है चला देखो हा, इसमें हाइड्रोकार्बन जो है ना हाइड्रोकार्बन एक होता है हाइड्रोकार्बन होता है चला जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन आ गया एक होता है हेट्रोकार्बन हेटेरोकार्बन, एक होता है चला हेटेरोकार्बन एक होता है चला हेटेरोकार्बन हेटेरोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन के अलावे अब जल्दी से बता दो कौन अलग है हाइड्रोजन और कार्बन की उपस्थिति विषम परमाणु तो हेटेरो जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन सेम है ऑक्सीजन और क्लोरीन अलग है आंसर हो जाएगा एक हो ये एक हो ये आंसर हो जाएगा चला एक और चार देख रहा है सब क्वेश्चन चला छूट जाएगा गड़बड़ हो जाएगा बस दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग एक और चार और कल दस बजे से लगेगी मैराथन अगर आप लोग हाँ कीजिएगा तो ना कीजिएगा तो नहीं लगाएंगे लेकिन हाँ तो आप करवे कीजिएगा हमको पता है क्योंकि अभी आप लोगों को एकदम पढ़ना हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हेटेरोकार्बन हाइड्रोजन कार्बन के अलावे अगला कौन सा समीकरण साबुनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित जक्र में चला हम तुरंत अभी बताए थे जेरा में सोडियम होगा वही साबुनीकरण अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा डी नंबर जैसे साबुनीकरण होता है चला इसका उत्पाद जो होता है शौ उत्पाद जो होता है वो ग्लिसरीन होता है ग्लिसरीन होता है इसमें सबसे अधिक विचलन होता है और चला जब ये होगा ना उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण, उच्च, उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण, उच्च वसा अम्ल का सोडियम लवण है इसलिए चला जहां भी अम्ल रहे और सोडियम लवण रहे ये होगा डी नंबर आपके पीडीएफ में होगा एक बार देख लीजिएगा हमको कई रिएक्शन में लिख देते हैं सी एच थ्री सी ओ सी टू एच फाइव प्लस एन एच सोडियम एसिटेट कहते हैं प्लस सी टू एच फाइव ओ एच आंसर यही होगा चला साबुनीकरण के लिए एंड लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज के आज के मैराथन का करने वाले हैं सब करवा देंगे चला पूरा करवा देंगे ए टू जेड क्वेश्चन डोंट वरी अबाउट दैट इसको चला जी लिख लीजिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर दे देगा और कल से पीडीएफ अपने पास रखिएगा पीडीएफ दिन में मिल जाएगा अगला अगला चला क्या कहता है देख लो कहता है एल्काइन समझातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य एल्काइन है एल्कीन एल्कीन एल्काइन यानी CnH2n -2 तो so CnH2n -2 एक जुड़ हो गया तो मीथ होता है तो मीथेन तो होगा नहीं क्योंकि मीथेन तो एल्कीन का है मीथेन चला एल्कीन का है तो प्रोपीन नहीं होगा क्योंकि ये एल्कीन का है, तो देखने से भी लग रहा है और एथिं जो है ये भी एल्कीन का है तो एल्काइन है तो एथाइन हो जाएगा आंसर नहीं होगा एलकाइन है तो हो और आज के मैराथन को हम लोग यही समाप्त करेंगे और अगर आप लोग इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना चाहते हैं चला जी तो आप इसके लिए बिग बूस्टर पे बिग बुस्टर इसको चला चुकी रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है तो मात्र चालीस रुपया में आपको बिग बूस्टर पे

हम जो पढ़ाते हैं उसका मजा सिर्फ रात में आता है आइए चला मिलकर इस पूरे किताब को खत्म करेंगे चार क्लास तीन क्लास और लेंगे और पूरा किताब खत्म हो जाएगा थैंक यू वेरी मच लव यू ऑल नमस्कार और बिग पुस्टर पे आप चला इसका टेस्ट मार सकते हैं नाइन्थ और टेंथ दोनों का चालीस रुपए में टेंथ और चालीस रुपए में नाइन्थ आपको मात्र में मिल जाएगा और हमको लगता है लगभग सोलह uh, uh, चैप्टर है तो सोलह बत्तीस सोलह लगभग पांच सौ क्वेश्चन प्रॉक्स होगा उसको चला जाए आप एक बार जरूर रिविजन करके एग्जाम हॉल में जाए थैंक यू वेरी मच लव यू